इन्फो डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हम जिनसे अपना डाटा जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है, टाइप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है हमारे पास, माउस है, हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. ऐसी डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर को ये बता सकें, कंट्रोल कर सकें, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकें, उसके बाद वो हमें अपना डिजायरेबल रिजल्ट दे, दैट आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस. सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में है कीबोर्ड. कीबोर्ड का है कि कीबोर्ड हमारे पास कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं, कितने बटन्स होते हैं, किस तरह से यूटिलाइज किए जाते हैं, ये सारी बातें, और इसकी टाइप्स. इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, इनपुट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, डाटा देते हैं, और फिर हमें जो है उसकी स्क्रीन पे मॉनिटर की विजिबल हो जाता है जो इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड की मदद से, ठीक है. कीबोर्ड दो टाइप्स के होते हैं. दो टाइप्स हैं, नॉर्मल कीबोर्ड. नॉर्मल कीबोर्ड में क्या है, नॉर्मल कीबोर्ड में आप लोगों ने कीज को देखना है कि हमारे पास 101 से लेकर 104, यानी 101 से लेकर 104 कीज होती हैं, ठीक है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू फाइव कैटेगरीज. आप उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, फंक्शनल कीज, यानी फंक्शंस जिनसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है, उसके बाद स्पेशल कीज, और उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड. कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फंक्शन कीज कौन सी होती हैं. F1 to F12 जिनसे हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दीज कीज आर नोन एज फंक्शनल कीज, ठीक है. अल्फा न्यूमेरिक में हम अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, A to Z और 0 to 9, ठीक है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज हमारे पास होती हैं. कीज स्पेशल कीज में है हमारे पास Alt, Control, Enter, Insert, Home. Alt के साथ जब हम लोग कोई भी की जो है प्रेस करते हैं एट अ टाइम, दो कीज को इकट्ठा प्रेस करते हैं, तो Alt का बटन जो है वो यूज किया जाता है. और उसके अलावा कंट्रोल, देन एंटर, इंसर्ट, होम, एंड या एस्केप. जो भी हमारी स्क्रीन होती है, जो हमें सामने शो हो रही होती है, अगर हमने उसको बैक लेके जाना है, देन हम एस्केप का बटन स्टार्ट यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है. और अगर हम लोगों ने ये फंक्शनल की, जैसे मैंने F5 को प्रेस किया, तो मेरे सामने ये मेरी जो स्क्रीन है ये विजिबल हो रही है, यानी फंक्शनल कीज को मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, F5 प्रेस की है मैंने. कंट्रोल है, उससे Ctrl+C को प्रेस करेंगे एट अ टाइम तो हम कॉपी कर सकते हैं, ये हमारे पास स्पेशल की है. Alt F4 को प्रेस करेंगे तो हम शट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर को, ये फंक्शनल की है. मतलब ये ऐसी कीज है जो डबल काम परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, डबल वर्क जो है एट अ टाइम परफॉर्मेंस की हो रही होती है. अगर हम उसको सिंगल प्रेस करेंगे तब भी वो काम करेंगी, अगर हमारे पास हमारा माउस जो है वो काम नहीं कर रहा तब भी हमारी जो फंक्शनल कीज है यानी स्पेशल कीज है वो काम कर रही होंगी. और अगर हम Alt या कंट्रोल को, एंटर को किसी की के साथ प्रेस कर देते हैं, जैसे Alt F4 को शट डाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+C को कॉपी, या Ctrl+V को बोल्ड, Ctrl+V को पेस्ट, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं या हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं. इंसर्ट करके हम इंसर्ट का जो स्पेशल की है वो हम यूज करते हैं टेबल के लिए, हमने इंसर्ट करना है टेबल की रोज या कॉलम्स को, उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद जिस तरह का टेबल हम चाहते हैं इंसर्ट होना, या हम कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं उसे. होम की का मतलब है कि हम बैक होम पे जाना चाहते हैं, ठीक है. एंड की का मतलब लास्ट पे होता है. एस्केप मैंने आपको बता दिया कि आप अगर अपनी जो स्क्रीन, फंक्शनल स्क्रीन है आपके पास इस वक्त, जैसे मेरे पास मेरे लैपटॉप पे गूगल भी ओपन है, उसके अलावा मेरी इस्लामिक स्टडीज की स्लाइड्स भी ओपन है, लेकिन मेरी फंक्शनल जो फंक्शनल स्क्रीन कौन सी है जो अभी विजिबल है आपको, यानी ये कंप्यूटर की, इसको मैं ऐसे प्रेस करूंगी तो क्या होगा कि ये एस्केप का बटन जो है, यानी स्पेशल की जो है मेरी काम करेगी. उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक कीज है, यानी 0 to 9, जैसे कि प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, ये जो परसेंटेज या हमारे पास ये इस टाइप की जो है न्यूमेरिक कीज से रिलेटेड या अलजबरा से रिलेटेड, तो हम अपनी न्यूमेरिक कीज को इस्तेमाल करेंगे. दो टाइप्स के हमारे पास कीबोर्ड थे, जिसमें सबसे पहले था हमारे पास नॉर्मल कीबोर्ड, ठीक है, उसके बाद है मल्टीमीडिया कीबोर्ड. मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या है कि इसमें एडिशनल कीज होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे एक कीबोर्ड दिखाया गया जिसमें दो टाइप्स की कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, और इसमें जो कीज मैंने आपको बताई हैं टोटल वो 101 से 104 होती हैं, ठीक है. जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है और तकरीबन ये जो है 104 इसमें कीज जो है वो होती हैं. एडिशनल कीज भी इसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन के लिए, प्ले के लिए, पास के लिए, या कुछ भी स्टॉप करने के लिए, ठीक है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड.
हम लोग ये एडिशनल कीज जो है मल्टीमीडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कि इनपुट कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में दो थी हमारे पास, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारे पास माउस। माउस इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू इंसर्ट द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा हैंड होल्ड डिवाइस है जिसको हम हाथ की मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं, और हम लोग जो हमारा कर्सर या पॉइंटर है स्क्रीन पे जो हमें नजर आ रहा होता है उसकी, वो हम हाथ की मदद से उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो डिवाइस जो हमारा हाथ जिसकी मदद से जो है ना इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कर्सर को कंट्रोल कर रहे होते हैं या पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कुछ, दैट इज नोन एज माउस। ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस इससे दी जाती हैं। इसके दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, ठीक है, और एक स्क्रॉल व्हील होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शीट हम लोगों ने ओपन किया, कोई डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं या हम स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है, तो वो जो व्हील है स्क्रोलिंग में हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो माउस से हम लोग डिफरेंट जो इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जैसे कि पेंट, इमेजेस को ड्रा कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी डाटा हमारे पास है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको मूव करके एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे लेके जाना हो तो हम सेलेक्ट करके माउस की मदद से इजीली लेके जा सकते हैं। थर्ड, ये हमारे पास था माउस। माउस की हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल माउस, ट्रेडिशनल माउस को देख लेते हैं। एक ऐसा माउस है हमारे पास जिसमें एक बॉल होती है, ठीक है, स्मॉल रोलर जो है वो होता है जिसके साइड्स पे 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर, ठीक है, ये जो बॉल है हमारे पास स्क्रोलर है, ये रोलर है, ये हम 90 डिग्री के एंगल पे इसको मूव करके स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कंप्यूटर को वो हम पॉइंटर की मदद से कंट्रोल कर मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या हम लोग उसको कट करना है, पेस्ट करना है, उसकी जो रोलर है उसका, उसकी मदद से मूव आउट कर, या हम स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेडिशनल माउस से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माउस, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस एक ऐसा माउस है जिसमें, ये एक एडवांस पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास जैसे कि एलईडी है फॉर एग्जांपल, ऑप्टिकल सेंसर इसमें होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम जो है ना इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नल्स की मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल माउस बॉल्स के अंदर फिट होती है या फिक्स होती है एक हमारे पास, जैसे आपके पास स्क्रीन पे ये व्हाइट कलर का जो है दिखाया गया है सामने पॉइंटिंग डिवाइस जो ऑप्टिकल माउस है, इसमें एक व्हील ये जो है दिखाया गया है जो के माउस बॉल जिसे बोल सकते हैं आप, वो जो है ऑप्टिकल माउस में फिक्स होता है। ऑप्टिकल माउस नीड अ प्लेन सरफेस टू प्रोड्यूस हाई परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ठीक है, इसकी मतलब इसकी मदद से हमारी जो परफॉर्मेंस है या जो हम लोग सरफेस की मदद सरफेस पे इसकी जो है प्रोडक्शन है वो इजीली कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑप्टिकल है, एलईडी या फिर लाइट डायोड यानी कि जो एलईडीज हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा इनपुट डिवाइस है हमारे पास जिसकी मदद से हम जैसे कि ये लेजर की, इसमें लेजर जो है वो जाती हैं, जो डिवाइस हम जिसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, LED known as light emitting diode, ठीक है, एक ऐसा electrical component है जिसके अंदर दो terminals होते हैं और वो जो है हम जिस direction में उसको move करना चाहें उस direction में जो है उसको move कर सकते हैं। एक small bulb सा होता है इसके अंदर, ठीक है, इस mouse में, optical mouse में, ठीक है, जिसमें एक bright light हमें show हो रही होती है जिसकी मदद से हम लोग जो है उसके जो optical sensors हैं उनको control करके काम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो digital signals हैं वो इस sensor की मदद से हम लोग जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वो उसको जो है ऑप्टिकल माउस से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जॉयस्टिक, इनपुट डिवाइसेस में। जॉयस्टिक क्या है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है हमारे पास, पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम टोटली गेम्स की जो है गेम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस मोस्टली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। This is a device used to control an actions on the computer game. जो कि जो हम लोग गेम हमारे सामने है उसको हम लोगों ने कंट्रोल करना है, उसके एक्शंस को, उसकी प्लेइंग को, तो हम लोग क्या जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ लीवर यूजिंग द मूव द पॉइंटर ऑन स्क्रीन एंड बटन यूज टू सेलेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये हमारी हेल्प किस में करता है, गेम में, और हम लोगों ने अगर कोई जो वो पॉइंटर जो हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है बटन को सेलेक्ट करने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी थर्ड इनपुट डिवाइस की एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट हमने देखा कीबोर्ड, कीबोर्ड में हमारे पास नॉर्मल कीबोर्ड था, मल्टीमीडिया कीबोर्ड था, देन हमने डिस्कस किया माउस, माउस में हमारे पास दो टाइप्स के माउस हैं, ट्रेडिशनल माउस, ऑप्टिकल माउस और
थर्ड इनपुट डिवाइस हमारे पास है जॉयस्टिक, से हम गेम्स के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज द इजीएस्ट वे टू इनपुट डाटा इन योर कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि ये आईपैड है, इसकी स्क्रीन टच, आप लोग ये टच फोन यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहे हैं, आप एंड्रॉइड सेल फोन यूज कर रहे हैं, या आप बहुत बड़ा आप लोगों का ऑफिस है या बिजनेस है, उसमें आप लोगों ने एलईडीज फिक्स की हुई है, उसमें आप लोगों के पास जो एलईडीज हैं उसके ऊपर अगर टच स्क्रीन है तो आप अपनी फिंगर की मदद से उस पर टाइपिंग कर सकते हैं। मतलब इस वजह से ये इजीएस्ट वे है कि हम अपना जो डाटा है, जो इनपुट है, वो अगर दे रहे हैं तो वो हम लोग फिंगर के टच से दे रहे हैं अप्रोप्रिएट स्पॉट से। ठीक है, सेलेक्ट द आइटम बाय टचिंग द स्क्रीन एट अप्रोप्रिएट स्पॉट, इट इज एन अदर फीचर दैट इज यूज दैट the user fingers become the input device to operate the touch screen। ठीक है, आप यूं समझ लें कि जो आपकी जो फिंगर है, आप जो टच करके उसको इनपुट कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, जो यूजर फिंगर है वो आपके लिए टच स्क्रीन पे एक इनपुट डिवाइस का काम कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन्स क्या होते हैं, एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग वॉइस सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के थ्रू हमें सुनाई दे रहे होते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन्स में हमारे हेडफोन्स हैं ये, या फिर ये जो माइक्रोफोन्स होते हैं क्वालिटीज के, जिसकी मदद से हम लोग जो है इसको यूज करके इसके जो वॉइस सिग्नल्स हैं उनको आसानी से सुन सकते हैं। माइक्रोफोन्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लाइव चैट, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम खेला और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पबजी खेली जाती है, या कोई भी गेम है हम वो खेल रहे हैं, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम लोग माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम इसको रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डर के तौर पर भी हमारा काम कर सकता है कंप्यूटर। ये हमारे पास थी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारे पास है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या है, स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास कि हम लोगों ने, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इंसर्ट पिक्चर इनटू द कंप्यूटर। एक ऐसा हमारे पास स्कैनर डिवाइस है इनपुट, जहां पे क्या होता है, आप यूं समझ लें जैसे हम लैपटॉप है, लैपटॉप को हम फोल्ड कर सकते हैं, सेम एज इट इज, बस जो स्कैनर है उसकी जो लोअर साइड होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी लैपटॉप की निस्बत ज्यादा होती है, ठीक है, वाइड होती है। ठीक है, वहां पे हम जो लैपटॉप हम ओपन करते हैं दोनों साइड तकरीबन सेम होती है, ये थोड़ा बहुत शायद फर्क है, ठीक है, लेकिन जो स्कैनर है उसका जो लोअर एज होता है वो थोड़ा वाइडर होता है। ठीक है, तो वो जो ऊपर जो उसकी स्क्रीन होती है उसको हम उठाते हैं, स्कैनर जो भी चीज हमने स्कैन करनी हो, हम कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी पेपर है, कोई भी ओरिजिनल हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम उसमें रखते हैं लेजर की मदद से, उसका बटन है उसको ऑन करेंगे, लेजर की मदद से वो जो डॉक्यूमेंट हमने उसमें रखा है स्कैनिंग के लिए उसके ऊपर से हम जैसे लैपटॉप को बंद करते हैं उसी तरह से उसका कवर बंद कर देंगे स्कैनर का, और लेजर की मदद से जो डॉक्यूमेंट हमने रखा है वो बिल्कुल हमें सेम टू सेम कॉपी जो है प्रोवाइड कर देगा, हमारे रिजेंबल होगी वो किससे, ओरिजिनल से। ठीक है, हम चाहें तो कलरफुल उसका स्कैनर, कलरफुल अगर उसका प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो हम स्कैनर की मदद से वो भी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम व्हाइट और ब्लैक अगर लेना चाहें तो वो भी प्रिंट आउट हम ले सकते हैं स्कैनर की मदद से। ठीक है, एक ऐसी डिजिटल इनवाइस, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम लोग अगर इमेज पिक्चर्स को डालते हैं स्कैनिंग के लिए तो जो भी डॉक्यूमेंट हम डालेंगे, हमारा जो स्कैनर होता है वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हम इसमें डालेंगे वो हमें बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे शो होगा जो हम स्कैन करना चाहते हैं। चाहे हमने कोई तस्वीर को स्कैन करना है, किसी को इमेज को, किसी पिक्चर को, किसी फोटो को, ठीक है, या हम तो कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सर्टिफिकेट है उसको स्कैनिंग करना चाहते हैं, उसकी स्कैनिंग करके हम लोग करके और देखना चाहते हैं तो हम मॉनिटर पे देख सकते हैं और वो हम लोग उसमें से एक्सचेंज करके फिर दोबारा से नया डॉक्यूमेंट उसमें देके और कर सकते हैं। अगर आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप उन्हें सेव करना चाहते हैं तो आप स्कैनर की मदद से आप उन्हें बारी बारी स्कैन करें और पीडीएफ फाइल बनाकर अपने पास महफूज रख सकते हैं। स्कैनर की दो टाइप्स हैं, स्कैनर की दो टाइप्स में पहली टाइप है फ्लैट बेड स्कैनर और सेकेंड है हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया गया है, ऐसा होता है, ठीक है, अ फ्लैट बेड स्कैनर यूज्ड टू फ्लैट सर्विस, इसकी सर्विस जो है वो फ्लैट होती है और ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है और हम उसमें कोई चीज फोटोकॉपी के लिए डाल देते हैं और लेजर्स की मदद से वो सेम कॉपी हमें प्रोवाइड कर देता है, तो ये बिल्कुल वैसे काम करता है फ्लैट बेड स्कैनर जो है। लेकिन फोटोकॉपी मशीन बिकॉज वो उसकी अगर हम लेंथ या विड्थ देखें तो वो ज्यादा होती है, लेकिन जो स्कैनर है ये हमारे पास कम जगह घेरता है, इसकी लेंथ और विड्थ फोटोकॉपी मशीन से बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, हम बिल्कुल इसकी सर्फेस पे या जो इसका
स्कैनर लगा हुआ है, उसके ऊपर हम कोई भी पिक्चर रख के उसको स्कैन कर सकते हैं। इमेज को हम लोग देखना चाहें डिजिटल फॉर्म में तो ये हमारे इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें सामने एलईडी पर या फिर मॉनिटर पर यू हम देख सकते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर जो भी इसके साथ अटैच होगा उसके साथ, और वो पिक्चर जो है मॉनिटर स्क्रीन पे हमें दिखाई जाएगी स्कैनिंग के बाद। सेकेंड हमारे पास है हैंड हेल्ड स्कैनर जो कि बार कोड रीडर होता है। जैसे बार कोड रीडर के बारे में मैंने लास्ट लेसन में भी बताया था कि बार कोड रीडर जो है एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसमें लाइंस लगी होती हैं प्रिंटेड, जहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन होती है, उसका जो स्पेशल नंबर है, उसकी जो प्राइस है, वो हम बार कोड रीडर की मदद से उन लाइंस पे को देखते हैं लेजर लेजर जो है की मदद से, और फिर वो रीड कर ली जाती है वर्टिकल लाइंस जो हमारे पास उस प्रोडक्ट के लास्ट पे होती हैं, या आप कोई भी प्रोडक्ट लें उसके उसको जब हम ओपन करते हैं उसके बिल्कुल फ्रंट पे भी वो वर्टिकल लाइन हो सकती है या उसके बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं, तो वहां पे उसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उसके ऊपर बार कोड रीडर लाइंस जो है वो वर्टिकल्स होंगी और आप बार कोड रीडर से उसको रीड कर सकते हैं। ये थी हमारी इनपुट डिवाइस। हमारे पास कुछ MCQs हैं। सबसे इंपॉर्टेंट MCQs है which is the place that is used to connect various external devices to the computer, वो है port। कनेक्टर नहीं बोलते इसको, इसको port बोलते हैं, जिसकी मदद से हम लोग जैसे हमने स्कैनर जो है अपने पर्सनल कंप्यूटर से या एलईडी से कनेक्ट किया, वो कनेक्टर नहीं होता, कनेक्टर तो और उसके पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो पोर्ट होता है हम जब एक लीड को कंप्यूटर की लीड को उसके साथ कनेक्ट करते हैं वो पोर्ट होता है, इट्स नॉट अ कनेक्टर, ठीक है, वो सिर्फ हम लोग यूं समझ लें कि कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ पे वो पोर्ट जहाँ पे वो लीड हम फिक्स कर रहे होते हैं वो पोर्टर होता है, ठीक है, यानी पोर्ट होता है। विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, हमारे पास कीबोर्ड है, हमने अभी देखा इनपुट डिवाइस है, इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, माउस है, माउस भी दो तरह का हमारे पास होता है, और कार्ड रीडर यानी बार कोड रीडर है, या हमारे पास ATM है, ये तमाम की तमाम जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर एंड मॉनिटर, क्योंकि प्रिंटर से हम सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं, मॉनिटर की मदद से हम लोग अपना डिजायरेबल रिजल्ट अपने सामने देख सकते हैं, ये आउटपुट यूनिट्स हैं या डिवाइसेस हैं, ठीक है। डिवाइसेस जिनकी मदद से हम डेटा एंटर करते हैं दैट आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस, वो है हमारे पास कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। व्हाट डू यू यूज टू कन्वर्ट द लाइंस इनटू बुलेट लाइक फॉर्म, ये लाइन जो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका चेंज कर सकते हैं राइटिंग स्टाइल, ठीक है, उसको हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या उसका साइज इंक्रीज करना है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, लिस्ट कौन सी लिस्ट में, फॉर्मेट में, जहाँ हम उसकी उसको कलर उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं, उसके अलावा उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक वेब पेज या HTML, ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा वेब पेज है जहाँ पे हम लोग ये वेब डिजाइनर्स जो होते हैं इसको यूज करते हैं, ये आपने देखा होगा वेबसाइट्स के साथ एंटर होता है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल यानी कि गूगल मेल, फुल फॉर्म ऑफ PC इज पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है कि पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज जो है, मैं अभी भी आपको बताऊंगी भी सही शॉर्टकट कीज का, आज उसमें मैंने इंक्लूड की है अलग से फाइल जो है मैंने उसको बनाया है, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दी जाएंगी, तो उसके लिए Ctrl+P यूज किया जाता है। DVD इज नॉन एज स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद हमारे पास है कि हम कौन ये जो फीचर्स हैं लेआउट स्लाइड डिजाइन या फिर इसको इसका फॉर्मेट जो है स्टाइलिंग चेंज करना राइटिंग का उसको फॉर्मेट मेन्यू में यूज करता है। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस, अ किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 bytes. Which of the following is the input devices? Keyboard, mouse and card reader. ये थे कुछ हमारे पास कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस। यहाँ तक अगर कोई कुछ पूछना चाहता है देन मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है, आवाज का कोई इशू तो नहीं है मैम? जी मैम विजिबल है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। इस्लामिक स्टडी के नेक्स्ट हमारे पास आज हमने देखना है हजरत खदीजा के बारे में, उनकी जिंदगी को डिस्कस करना है, उनकी लाइफ को, और उनकी जो है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक पे डिस्कशन करनी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारी उम्मुहातुल मोमिनीन है वो कितनी है, ठीक है, और हजरत खदीजा का कौन सा नंबर है। तो वो टोटल 12 है हमारे पास, और 10 जो है
हजरत खदीजा जो है वो सबसे पहली थी हमारे पास, और उसके बाद जो व्हेन ही डाइड देयर वर 10 वाइव्स विद हिम, उनके साथ 10 जो है उनकी हमारी उम्मातुल मोमिनीन जो थी वो मौजूद थी, जबकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत जैनब उनकी लाइफ में ही वफात पा गई थी। ठीक है, इनके नेम्स एंड ट्वेल्व्स के आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी तरतीब बहुत जरूरी होती है। अगर आप तरतीब से याद नहीं रखेंगे उम्मातुल मोमिनीन के नेम्स तो आपको बहुत ज्यादा बातों का ऑप्शन आता है क्वेश्चन में कि जो सिक्स उम्मातुल मोमिनीन है उनका नेम, तो आप लोगों ने एग्जैक्ट नंबर्स के साथ याद रखना है इनके नेम्स को, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एमसीक्यूज इनमें से एक तो कंफर्म एमसीक्यूज होता है, अदरवाइज वो सेवन पूछ लें सिक्स पूछ लें, तो आप इनकी तरतीब को जरूर जो है याद रखें। सबसे पहले हजरत खदीजा, उसके बाद हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्जा, हजरत जैनब, हजरत सलमा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत जैनब, एक हजरत जैनब है, हजरत जैनब बिनते हुजैमा फोर्थ नंबर पे, फिर हजरत उम्मे सलमा, फिर हजरत जैनब बिनते जैश, ठीक है, फिर देन हजरत जवेरिया, हजरत सफिया, उम्मे हबीबा, मारिया, हजरत मेमूना। ठीक है, इनकी तरतीब आपने याद रखनी है बिकॉज ये बहुत जरूरी है तरतीब। अब इसके बाद इनका जो निकाह का वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी, उनकी जोजा के नाम, और उनका निकाह जो है वो उस वक्त बेवा थी या उस वक्त वो कुछ ऐसी उम्मातुल मोमिनीन है जो तलाक याफ्ता हैं, ठीक है, कुछ कैदी बन के आई, उनको आजाद कराया गया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पहला निकाह हजरत खदीजा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, और हजरत खदीजा है जो है वो पहले से दो बार शादीशुदा थी, यानी तीसरी बार उनकी शादी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और वो बेवा थी। ठीक है, और उनकी पहले से औलाद भी थी हजरत खदीजा की। ठीक है, दूसरा निकाह हजरत सौदा से, वो भी बेवा थी। तीसरा निकाह हजरत खदीजा हजरत आयशा से। एक बात क्लियर करते चलो कि जब तक हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हयात रही, जिंदा रही, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया था। 25 साल की उम्र में आपसे निकाह हुआ, हजरत खदीजा की तब उम्र 40 साल थी, और 25 साल तक आप उनकी शरीक हयात रही, यानी आपकी उम्र 50 साल हो गई। ठीक है, और आपकी वफात के बाद 2 साल तक आपने कोई निकाह नहीं किया था, 52 साल के बाद यानी कि आपका निकाह हुआ। तीसरा निकाह हजरत आयशा से, चौथा निकाह हजरत हफ्जा से, पांचवा हजरत जैनब बिनते हुजैमा से, छठा हजरत उम्मे सलमा से, सातवां हजरत जैनब बिनते जैश से, आठवां हजरत जवेरिया से, नौवां निकाह हजरत सफिया, दसवां निकाह हजरत उम्मे हबीबा, और ग्यारहवां निकाह हजरत मेमूना और हजरत मारिया से 12वां निकाह जो है उनका हुआ। अब आगे हमसे ये पूछा जाता है, बेसिक अगर क्वेश्चन हमें आता है कि डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइव्स मैरिड समवन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम और नॉट, तो उनमें सबसे एक ऐसी उम्मातुल मोमिनीन में एक ऐसी है हजरत आयशा जो कि ना ही बेवा थी और ना ही तलाक याफ्ता थी, बाकी सब जो है वो बेवा भी, उनमें से कुछ बेवा थी और कुछ जो है वो तलाक याफ्ता थी। अब उन सबका ताल्लुक क्या अर्थ से था? हजरत मारिया जो है उनका ताल्लुक मिस्र से था, वो मिस्र के बादशाह की बेटी थी, ठीक है, मिस्र की रहने वाली थी, बाकी सब जो है उनका ताल्लुक अरब से था। उसके बाद तमाम वो जो 12 की 12 उम्मातुल मोमिनीन हैं, क्या वो सब मुसलमान थी? तो उनमें से तमाम थी, बट हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा नहीं थी, ठीक है, और हजरत मारिया रजी अल्लाह अन्हा क्रिश्चियन थी। उसके बाद है कि जब पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी, और उनकी उम्र 40 साल थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ, आपकी उम्र 25 साल थी, ठीक है, और ही स्टेड सिंगल आफ्टर हर डेथ फॉर 2 years इन ग्रीफ एंड मॉर्निंग हर्स टू द डेथ, ही वाज देन 52 years ओल्ड। ठीक है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करमी है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरे खिलाफ थे, और उन्होंने उस वक्त मुझे अपने माल में मतलब माल जो है तजारत के लिए दिया जब लोगों ने मुझे हर किस्म की सहूलत या हर किस्म के माल से महरूम कर रखा था। ठीक है, लोग उनके खिलाफ थे। उसके बाद विलादत है, खानदान उनका खानदान जो था कुरैश था, वैलिद बिन असद के यहाँ पैदा हुई थी। ठीक है, जोजा मोहतरमा उम्मातुल मोमिनीन हजरत सैयदना
खतीजतुल कुबरा की बात कर रही हूँ, उनका शजरा नस्ब है हजरत खतीजा। अक्सर ऑप्शन आता है हमारे पास कि कौन सा वो शजरा नस्ब है जहाँ पे जाके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका नस्ब जो है वो मिल जाता था। तो आप इनका नाम गौर से सुन लें, हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल अज़ा बिन कसा। यहाँ जो कसा है यहाँ पे आपका शजरा नस्ब जो है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नस्ब से कसा में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे भी उन्होंने डिफाइन कर दिया बिन कसा बिन कल बिन मर्रा बिन काब बिन लोई, ठीक है। ये इनका फुल नेम कुनियत के साथ है, इनका जो शजरा नस्ब है अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि वो कौन सा शजरा नस्ब है जहाँ पे आप हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब जो है वो मिल जाता है। तो वो है सैयदना खुतैजा रजी अल्लाह अन्हा खुवैलिद बिन असद बिन अल्ला बिन कसा। ये कसा पे आपका शजरा नस्ब जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आपकी वालदा मोहतरमा का नाम है, आपकी कुनियत जो है वो उम्मे हिंद है, आपकी वालदा का नाम फातिमा बिनते ज़ाहिदा, ठीक है, जो कि उनकी वालदा का नेम था। उसके बाद इसमें ग्रामी है आपका, तो आपकी सबसे पहली और महबूब तरीन रफीक हयात है हजरत सैयदना रजी अल्लाह अन्हा हजरत खतीजा की बात कर रही हूँ। उम्महातुल मोमिनीन में बहुत खसूसी फजीलत जो है इन्हें बयान की गई, जब तक ये हयात नहीं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और औरत से निकाह नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़वजल का सलाम, मतलब इतनी ज्यादा फजीलत है हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का, इतना मर्तबा है इतना मकाम है कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खाना वगैरह लेके जाने लगी तो हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, यानी कि वो इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि बारगाह रिसालत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बकायदा वही लेकर हाजिर हुए और अर्ज किया कि ए अल्लाह अज़्ज़वजल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास हजरत खतीजा दस्तरखान ला रही है, ठीक है, जिसमें खाना और पानी है, जब वो लाएं तशरीफ उनसे उनके रब का सलाम फरमाया जाए, यानी कि उनकी फजीलत उनके मकाम उनके मर्तबे की बात हो रही है कि अल्लाह ताला का जो सलाम है वो उनके आने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया था, ठीक है। एक ऐसी उम्महातुल मोमिनीन है हमारे पास ये हजरत सैयदना खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जिनका लकब ताहिरा है यानी पाक और पाकीजा, ठीक है। और एक कुफार की तरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गम पहुंचता तो वो हजरत सैयदना रजी अल्लाह अन्हा हजरत खतीजा को देखते रहते और वो गम जो है उनका कम होता रहता था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते और तशरीफ जो है उनके पास ले जाते थे, हर मुश्किल से आसानी हो जाती थी। जब हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात हुई तो आप बहुत गमगीन हुए, बहुत उदास हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफात के बाद साल को आमुल हुज्न यानी गम का साल करार दिया। उनका ताहिरा लकब था जिसकी वजह से पारसाई और पाक दामनी की वजह से उनका लकब जो है वो ताहिरा था। दीनी खिदमत है कि 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ शरीकी हयात रही और पहली खातून थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलल ऐलान इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह का पैगाम पहुंचाया था, ठीक है। और ऐसा वक्त था वो जब मुखालफत हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग मुखालिफ थे, सिर्फ एक ऐसी हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा थी जब लोग उनके खिलाफ थे तब आपने उनका साथ दिया, उनके उनकी गवाही का जो है उनकी गवाही को माना, अशात इस्लाम में उनके साथ कदम से कदम मिलाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि अल्लाह की कसम खतीजा से बेहतर कोई भी नहीं है, जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफर किया तो वो मुझ पर ईमान लाई, जब सब लोग मेरे खिलाफ हुए उन्होंने मेरी तस्दीक की, जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज देने के लिए तैयार ना था उस वक्त हजरत खतीजा ने अपना सामान मुझे दे दिया, ठीक है। और औलाद नरीना की नेमत जो है वो भी हजरत खतीजा से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अफजल तरीन जन्नती औरतों में नाम है हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती औरतों में सबसे अफजल सैयदना खतीजा बिनते खुवैलिद, ठीक है, बिनते असद, सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मरियम बिनते इमरान रजी अल्लाह अन्हा और हजरत आसिया बिनते मुअज्जम और हमराव फिरौन है, ठीक है। हजरत सैयदना रजी अल्लाह अन्हा हजरत खतीजा जो है और तिजारत में दोगुना नफा जो है वो हुआ था, यानी कि सादिक और अमीन के नाम से आप क्योंकि मशहूर थे हर जगह चर्चा था, तो सैयदना रजी अल्लाह अन्हा ने उनको पैगाम भिजवाया
अपना माल देकर अपना एक गुलाम साथ भेजा, मैसरा उस गुलाम का नाम था। एमसीक्यूज के लिहाज से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गुलाम जो है आपके साथ आपकी खिदमत में माल तिजारत लेकर शाम में गए थे, तो वो जो गुलाम भेजा था उसका नाम मैसरा है, जो आपकी खिदमत एकदस में आपके साथ गए थे। ठीक है, हजरत अकरम सल्लम अपना माल बसरा में जो है तिजारत के लिए ले गए थे और वहां पे उनको डबल मुनाफा हुआ था। ठीक है, सिर्फ आपको ही फरोख्त खरीदो फरोख्त के बाद नहीं हुआ था, बल्कि आपके साथ जो काफिला रवा दवा था उसको भी आपकी वजह से, आपकी सोबत की वजह से उनको भी बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। ठीक है, और आपने सैयदना रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत खदीजा ने देखा कि दो फरिश्ते रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हैं इस सफर के दौरान। हज़रत खदीजा वापसी पर, यानी कि वो जो मैसरा उनका गुलाम साथ दिया था, वो इतना ज्यादा जो है इम्प्रेस हुआ था कि उन्होंने आके आपको सारी डिटेल बताई थी। आगे निकाह से है कि निकाह जो है एक्टिव मसला, यानी कि निकाह जो है उनका सैयदना काफ़रा और कुरैश की खातून में अशरफ, यानी कि उनका जो था नस्ब, वो देखा गया। ठीक है, बहुत सारे कुरैश के जो थे आला, जो कुरैश के लोग थे या औरतें थी, उनका जो है निकाह के ख्वाहिशमंद थे कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे या इनसे कुरैश की खवातीन से निकाह करें। तो पैगाम जो है हज़रत खदीजा का, हज़रत खदीजा ने भेजा और अपने चचा हज़रत उमर बिन असद को भी बुलाया। ठीक है, फिर जब सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हा हज़रत बकर सिद्दीक़ के साथ आए, हज़रत खदीजा के मकान पर तशरीफ लाए और वहाँ पे उनका निकाह हज़रत अबू तालिब ने फरमाया। बाज़ रिवायत में ऐसे है कि उनका हक महर जो है वो 12.5 औकिया सोना था। औकिया जो उस वक्त का यूनिट है, ठीक है, उस वक्त का एक सिक्का है जहाँ पे उनका जो है महर जो है मुख्तस किया गया था, मुकर्रर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड मेरी शायद विजिबल है, मम साथ सोचा है, यानी कि यहाँ पे ये बताया है कि वो जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जब पहली वही नाज़िल हुई उससे पहले का, पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अपनी आगोश में लेकर आपको बोला कि पढ़िए, आपने फरमाया कि मैं नहीं पढ़ा हुआ। जिब्राइल ने फिर आगोश में लिया और थोड़ा फिर फरमाया कि पढ़िए, आपने फिर फरमाया, अर्ज किया कि मैं नहीं पढ़ा हुआ। तीसरी मरतबा जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगोश में लेकर छोड़ा तो आपने कहा कि पढ़, तब पहली वही जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो इसकी 5 आयात हैं वो नाज़िल हुई थी, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, खून की फटकी से बनाया गया, तुम्हारा रब ही बहुत बड़ा करीम है जिसने कलम से लिखना पढ़ना इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता। ठीक है, तब आपकी जो तबीयत है वो बेहद मुतासर हुई। आप घर जब वापसी आए, हज़रत खदीजा से आपने ये डिस्कस किया और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, यानी दिक्कत उनकी जिस्म पे तारी थी, उनका जिस्म जो है बहुत कांपता था। आप पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कंबल उड़ाया और उन्हें तसली देते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपके साथ, तसली रखी है। सैयदना खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसली देते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा ही फरमाएगा, क्योंकि आप ज़िला रहमी करते हैं, आयाल का बोझ उठाते हैं, बीमार की आयादत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, बेकसों को की मदद करते हैं, मजबूर की दस्तगीरी करते हैं, मोहताजों और गरीबों के साथ भलाई करते हैं, हुस्न सलूक से पेश आते हैं, लोगों की सच्चाई और उनकी मदद करने में बिल्कुल आगे होते हैं, यतीमों का साथ देते हैं, उनको बना देते हैं, सच की तलकीन देते हैं, इस्लाम की वजाहत करते हैं, तबलीग करते हैं। तो ये तसली देते हुए आपने ये अल्फाज बोले थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वो बहुत ज्यादा खुश भी हुई उस वक्त जब पहली वही, और उसके बाद आपने पहली वही के बाद जो पहली डिस्कशन है अपनी तबीयत की वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से की थी। ठीक है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाने वाली पहली खातून थी, जबकि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तशरीफ ले गए तो उन पर वही नज़ूल वही की खबर लाई तो वो ईमान नहीं। बाज़ कहते हैं कि सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा ईमान लाए और उसके बाद आप रज़ी अल्लाह हज़रत खदीजा, तब उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, तब उनकी उम्र नौजवानों में उनकी उम्र जो है वो 10 साल थी। और सबसे ज्यादा मोहताज और मौजू बात यह है कि आजाद मर्दों में हज़रत अबू बकर सदीक, नौ उम्र बच्चों में हज़रत अली, औरतों में हज़रत खदीजा, मवाली में हज़रत ज़ैद बिन हारसा, मुँह बोले बेटी भी थे जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है, गुलामों में हज़रत बिलाल हबशी ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर ये ऑप्शन में पूछा जाता है कि कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं। आपके 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी जो आपका जो 12वां निकाह मारिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से हुआ, उनसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, मारिया कुतबिया। ठीक है, ये रहने वाली थी कुतबा
तभी उनको मारिया कुतबिया कहा जाता है, इनसे पैदा हुए। वरना में हजरत कासिम, जब हजरत कासिम भी बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई थी, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु, ये तीन बेटों के नाम हैं। आप रजी अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन बेटे हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला। उसके बाद आपकी बेटियां हजरत सैयदना ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा, यानी कि ये जन्नत की सरदार भी हैं। उसके बाद आपकी वफात माह रमजान में हुई और जन्नतुल मौला में आपको दफन किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब किसी को पता है कि जब उनकी डेथ हुई तो उनका नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था? एनीवन कोई भी बता सकता है आप में से, हैंड रेज कर लीजिए, मैं पूछ लूंगी। उम्मुहातुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीक फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हजरत खदीजा का जिक्र फरमाया करते थे, फरमाते रहते थे। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ ज़िबा करते, यानी बकरी मेंढा या जो भी वो ज़िबा करते थे, बकरी ज़िबा फरमाते, तो उसका उसके गोश्त के टुकड़े हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सहेलियों के घर भिजवाते, इसलिए कि वो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सहेलियाँ थी। हजरत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट टाइम हजरत खदीजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? फलस्तीन। उसके बाद हमारे पास है हजरत हाउ मेनी सन डिड हजरत खदीजा विद होली प्रॉफिट? दो। हु डिड हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सेंड टू आस्क द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट मैरिंग हर? उनके दोस्त, उनकी दोस्त थी, ठीक है, उनके हाथ पैगाम भिजवाया था। हाउ मेनी डॉटर्स डिड हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा विद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चार। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा वाज द डैश वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट? हजरत खदीजा रिमेन्ड मैरिड, उनके होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शादी नहीं की थी और उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। बट डिड द नेम ऑफ हजरत खदीजा मदर फातिमा बिनते ज़ाहिदा, ये उनकी वालदा का नाम है, बट वाज द नेम ऑफ हजरत खदीजा फादर वैलिद बिन असद, इसी वजह से उनका जो कबीले का कौनियत है वो उनके नेम, उनके वालिद के नेम से है। हजरत खदीजा वाज द पर्सन टू डैश कन्वर्ट टू द इस्लाम फर्स्ट? हजरत खदीजा मैरिड टोटल डैश टाइम्स थर्ड। थर्ड टाइम उनका निकाह जो है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, तब वो बेवा थी और उससे पहले उनके दो निकाह थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस्लामियात के थे जी। आप लोगों से मेरा सवाल है, मेरे लेक्चर के लास्ट में मैं पूछ सकती हूँ, जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात हुई तब उनका नमाज जनाजा किसने अदा किया था? आप में से कोई भी बता सकता है। अब एजुकेशन को हम देख लेते हैं, उस क्लास में शॉर्टकट कीज है उसकी जो है ना, उसको हम देख लेंगे। हमारे पास एजुकेशन है, एजुकेशन में हमने आज देखना है कि टीचिंग मेथड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। उसमें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है हमारे पास, उसकी कैटेगरीज हैं, असेसमेंट है और लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो देखेंगे हम लोग। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है हमने ये देखना है। पहले उनकी इंस्ट्रक्शन प्लानिंग पे बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या होती है। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है कि जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी होती है और उसके बाद हम ये देखते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद हम उनसे कुछ एग्जाम ले लेते हैं, कुछ जजमेंट कर लेते हैं और उनको कोई टाइम पीरियड फिक्स कर लेते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने उन्हें इंस्ट्रक्शन यूनिट कुछ पढ़ा दी, उसके बाद हम उनसे टेस्ट ले लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं उन्हें, वो जो है जजमेंट कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, जायजा ले लेते हैं, उसके बाद जो उनका नतीजा निकलता है उस पर प्लानिंग की जाती है, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, ठीक है। असेसमेंट हमारे पास क्या है, जायजे की पहली इकाई जो है वो असेसमेंट है, ठीक है। हम असेसमेंट बच्चों को असेस कैसे करते हैं ये डिफरेंट आगे इसको एक्सप्लेन किया गया, मैं आपको बता दूंगी। लर्निंग एनवायरमेंट ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है हम लोगों के पास के टीचिंग मेथोडोलॉजी में। लर्निंग एनवायरमेंट जो है वो टीचर पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स का लर्निंग एनवायरमेंट जो है चेंज करता है। लर्निंग एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज कर लें। यू शेप हो सकती है, सर्कल शेप हो सकती है, एल शेप हो सकती है, ठीक है। इस तरह से उनका लर्निंग एनवायरमेंट बेहतर हो सकता है। या हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस प्लानिंग को देखा तो हम ये देख सकते हैं कि हम लोग लेक्चर मेथड को अपना रहे हैं, हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड को अपना रहे हैं, हम डेमोंस्ट्रेशन को अपना रहे हैं, या हम स्टूडेंट सेंटर को अपना रहे हैं, या हम टीचर सेंटर को अपना रहे हैं। इनको बारी बारी में बताती चलूंगी। सबसे पहले देख लेते हैं असेसमेंट, जो इंतहाई जरूरी है एक टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि क्या होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक ऐसी लर्निंग की असेसमेंट है जहां हम बच्चों की अचीवमेंट या उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो एम्स
होते हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, ये देखने के लिए हम उनसे फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इब्तदाई असेसमेंट होती है, इब्तदाई जायजा होता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल आप बिल्कुल सबसे पहले जो जायजा बच्चों का लेते हैं वो फॉर्मेटिव होता है। इसके नाम से जाहिर है, फॉर्म करना, बनाना, ठीक है, इब्तदाई तौर पे। तो हमने क्या करना है कि थ्रू द अप्रोचेस कुछ अप्रोचेस को मद्देनजर रखना है, जैसे कि उसकी उसकी जो स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड्स है उसको हम लोगों ने मद्देनजर रखते हुए इन बातों को यकीनी बनाना है। कैसा, जैसा कि बेसिक नीड्स उसकी कौन सी होती है, या तो उसके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, या उसके पास बुक्स नहीं है, या पेंसिल्स नहीं है, ये उसकी बेसिक नीड्स हैं, या ये हमने पूरी करनी है। सेकेंडली, एज अ टीचर उसकी बेसिक नीड्स, स्पेसिफिक नीड्स कौन सी है, उसकी राइटिंग स्किल्स है, उसकी रीडिंग स्किल्स है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, उसका टैलेंट पॉलिश है, ये चीजें जो है ये स्पेसिफिक नीड ऑफ स्टूडेंट है। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने बच्चों को किस तरह से इनकी स्पेसिफिक नीड्स को पॉलिश करके इम्प्रूव करना है, अपने लर्निंग आउटकम्स या अपनी अचीवमेंट जो है वो कैसे अपनानी है, अचीव करनी है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट जो है वो कैसे लेनी है, या फिर लर्निंग गैप अगर कोई रह गया है वो कैसे कम करना है, या कोई मिसकॉन्सेप्शन अगर हो गई है बच्चों के जहन में, कोई बात डाउटफुलनेस है क्रिएट किए हुए है, कोई ऐसी शक है उसको क्लियर करना है, तो वो आप कैसे क्लियर करेंगे, ये हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है ये हमने देखा, ये कब ली जाती है, थ्रू आउट द कोर्स, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, या बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोर्स। हम लोग ये थ्रू आउट द कोर्स ले सकते हैं, हम कुछ पढ़ाने के बाद दरमियान में अगर कुछ असेस करना चाहते हैं तब भी हम उनसे असेसमेंट जो है ले सकते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो क्यों ली जाती है, अपने एम्स, अपना जो हम पढ़ा रहे हैं तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं। वो कौन सी असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव। हम अपने एम्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम उनके उनकी जो तालीमी तालीम में कुछ कमी रह गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कुछ कोताही रह गई है, अगर उसको बेहतर बनाने के लिए हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे की जाती है, थ्रू राइटिंग, राइटिंग के जरिए भी हम दे सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसको हम अपना सकते हैं, क्विज के जरिए हम उनसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, रोल प्ले। रोल प्ले कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं मौसम के लिहाज से, या सूबों के लिहाज से, या आप उन्हें पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी डिक्टेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के सूबों को ही ले लेते हैं, कि अगर आप पाकिस्तान को रोल प्ले कराने में, पाकिस्तान के आपके पास कुछ बच्चे हैं आप उनसे रोल प्ले कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उनसे कह दें उनका ड्रेसिंग, उनका कल्चर जो है, सकाफत को अगर नमाया करना चाहते हैं तो वो उस तरह की ड्रेसिंग करके आए। अगर बलोचिस्तान के कुछ बच्चे हैं, कुछ शीशे का काम अगर बच्चों के कपड़ों पर है, वो फ्रॉक्स वगैरह बच्चियों की जो होती हैं वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप रोल प्ले करा सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ सिंध का है तो वो सिंधी अजरक या टाइप, या फिर सर पे जो शीशे की टोपी है वहां की सकाफत को नुमाया करती है, आप वो उनसे कह सकते हैं कि वो पहन के आए। सिंपल सलवार कमीज पंजाब के लोग हैं, इस तरह से बलोचिस्तान के लोग हैं, आप इस तरह से रोल प्ले करा सकते हैं। क्लास पार्टिसिपेशन में यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को अपनाया गया। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा मेथड है जहाँ पे बच्चे जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। आप देखें ये जो तरीका कार हमारे यहाँ पहले था ना, लेक्चर मेथड वाला, कि एक टीचर आता है क्लास में और वो मुसलसल बोलता रहता है और तलबा और तलबात उसके सामने बैठकर उसको सुनते रहते हैं, इस चीज को कम किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को कैसे कम किया गया, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को अपनाया गया है। टीचर सेंटर वो होता है जहाँ पे टीचर एक्टिव होता है और हमारा बच्चा जो है वो पैसिव होता है, और स्टूडेंट सेंटर अप्रोच क्या होती है, जहाँ पे हमारे बच्चे की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा होती है और जो स्टूडेंट टीचर है उसकी कम, मतलब वो एक गाइडर का काम कर रहा होता है, मतलब वो एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा होता है, मतलब वो एजुकेटर का काम, एजुकेट कर रहा होता है, यानी सिर्फ उसने एक एक जैसे एक बैक सपोर्ट होती है ना, बिल्कुल वैसे उस टीचर ने काम करना है, ठीक है। तो वो उनको, और जो बच्चे हैं स्टूडेंट सेंटर में वो ज्यादा काम कर रहे होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, वो सीख रहे होते हैं, वो पीयर असेसमेंट उनकी वहां पे हो रही होती है। ये चीजें हम कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई प्रोजेक्ट, कोई टेस्ट उनसे ले सकते हैं, कोई होमवर्क का टास्क उन्हें दे सकते हैं जहाँ पे उनकी क्रिटिकल स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रही है। जरूरी नहीं है आप बुक से उठाकर उन्हें कहें कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिख के लाना है, नहीं, आप ऐसा कोई उन्हें होम टास्क दें जहाँ पे वो खुद सोचने पर मजबूर हो, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग उनकी पॉलिश हो, जहाँ पे वो घर जाके कम्युनिकेट करें, जहाँ पे उनकी स्पेसिफिक, यानी कि जो आपकी स्पेसिफिक स्टूडेंट की नीड है वो भी बेहतर हो जाए, ठीक है। कोई क्विज ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। और परफॉर्मेटिव असेसमेंट कौन लेते हैं, टीचर्स लेते हैं, या फिर अगर आपने बच्चों के पेयर्स बनाए हुए हैं या ग्रुप है, टीम वर्क है, तो बच्चे खुद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है समेटिव, इसके नाम से जाहिर है समाप्त करना, यानी कि मजमुई
जायजा जो है वो समेटिव असेसमेंट होता है। एक ऐसी असेसमेंट है यहाँ पे जहाँ पे हम जायजा ले रहे होते हैं बच्चों का एट द टर्मिनल पॉइंट। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है हमारे पास, या हम लोग उन्हें एक से दूसरी क्लास में प्रमोट करें, उसके बाद हम उन्हें ग्रेड करना चाहते हैं, उन्हें ग्रेडिंग देना चाहते हैं उसको जो है, तब हम जायजा लेना चाहते हैं, दैट इज नोन एज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट के में है कि वो कैसे ली जाती है, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड आफ्टर द परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म दी, सेकंड टर्म दी, उसके बाद पेपर्स लिए, उसके बाद उनको बताया कि ए ग्रेड है, थर्ड सी ग्रेड है, बी ग्रेड है, तो ये आफ्टर द परफॉर्मेंस ली जाती है। ठीक है, इसमें हम बच्चों की स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं, उनके नॉलेज पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर उनकी कोई ऐसी क्वालिटी या कोई ऐसा टैलेंट है जो वो किसी वजह से सामने नहीं आ पा रहा और आप उसे जज कर चुके हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ सबमिटिव असेसमेंट में बाहर आना चाहिए। ठीक है, कैसी अप्रोच और टेक्निक्स आप अपनाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, एग्जाम्स ले सकते हैं, रिटर्न ओरल मिड टर्म ले सकते हैं, या आप एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं। कोई बच्चा आपके पास एडमिशन के लिए आता है, आप पे डिपेंड करता है। और एग्जामिनर इसमें क्या होते हैं, बाहर से कोई आकर एग्जाम लेता है सबमिटिव असेसमेंट में, टेस्टिंग जो टीचर्स खुद भी ले सकते हैं। टाइप ऑफ टेक्निक्स प्री असेसमेंट है, जो आप प्री मतलब पहले ऑब्जर्वेशन में पहले ली जाती है, वो एक ऐसे असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जहाँ पे आप पीयर असेसमेंट जो है, तो फिर पीयर असेसमेंट एवेलुएशन हमने करनी है, ग्राफिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी नोटबुक्स को, क्विज को, इन चीजों को। समेटिव असेसमेंट हम यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, टास्क देने के बाद उनसे ले सकते हैं, पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। समेटिव असेसमेंट में आगे तीन तरह की समेटिव असेसमेंट है। सबसे पहले समेटिव है, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। समेटिव असेसमेंट के बाद हम लोगों ने ये करना है कि समेटिव असेसमेंट में एवेलुएट करना है स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शनल पीरियड के बाद, उसके एक बेंचमार्क, एक ऐसा स्टैंडर्ड मुख्तस कर देना है, मुकरर कर देना है, जहाँ पे बच्चे जो हैं उसके उनका असेसमेंट लिया जाए और उसके बाद उनको जो है वो प्रमोट किया जाए। नॉर्म रेफरेंस है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को रैंक करते हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, हाइएस्ट पॉइंट पे कौन है, लो अचीवर बच्चा कौन सा है आपका और हाई अचीवर बच्चा कौन सा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे देखनी है। क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस एवेल्युएशन एक ऐसी ग्रेडिंग का प्रोसेस है, एक ऐसी टर्म है जहाँ पे हम बच्चों से क्राइटेरिया रेफरेंस में क्राइटेरिया मुख्तस करने के बाद हम बच्चों से पूछ उनसे जायजा जो है वो ले रहे होते हैं। और हमारे यहाँ जो एक तदरीसी अमल जो मैंने अभी भी दोहराया कि क्लास में बच्चे मुसलसल खामोश बैठने के बाद उस्ताद को सुनते हैं, इस अमल को खत्म करना है। तो तहकीक से ये बात साबित हुई है, यानी कि रिसर्चर्स इस बात से कहते हैं कि बच्चा 50% इल्म जो है इस तरह सीखता है, अगर वो मुसलसल सुनता रहे और टीचर जो है वो मुसलसल बोलता रहा, यानी कि उसकी पार्टिसिपेशन को आप यकीनी बनाएं, जब वो एक्टिव होगा यकीनन वो ज्यादा सीखेगा और उसकी परसेंटेज जो इल्म की है सीखने की वो 50 से अबव हो जाएगी। ये जो एक रवायती तरीकाकार है इसको खत्म करना है। और उसके अलावा रवायती तरीकाकार में ये है कि अगर आप कुछ पनिशमेंट या रिवॉर्ड दे रहे हैं उनको, रिवॉर्ड आपने इस तरह से देने हैं उनको ताकि उनकी उनकी मोटिवेशन मोटिवेशनल वे में देना है, ताकि बाकी बच्चे जो हैं उसको देखकर अपनाएं और अपना जो इम्प्रूवमेंट है और तालीम में वो लाने की कोशिश करें। डेमोन्स्ट्रेशन में है कि हम लोग बच्चों के साथ डिस्कशन है, एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप अगर 6 बच्चों को भी बिठा दें, कोई टॉपिक दे दें, तो हर बच्चा कोई ना कोई बात कहेगा, यानी कि आपने कोई टॉपिक दिया और 6 बच्चों को कहा कि इसमें डिस्कस करना है, तो आप खुद उनके साथ बैठे मॉनिटर करें, सुपरविजन करें, तो आप देखेंगे कि 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर बच्चा अगर एक एक पॉइंट भी बताए तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप उधर से ले सकते हैं। डिस्कशन से बहुत ज्यादा बच्चे सीखते हैं, बताने से, एक दूसरे को समझाने से। अगर आपका बच्चा आपकी बात को सही से नहीं समझ रहा, तो आप कोशिश करें कि पीयर असेसमेंट कर लें, पीयर्स बना दें, बच्चों के पीयर्स बना दें, टीम वर्क करा दें। ठीक है, तो उससे वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। रोल प्ले में हमने बताना है कि हम दिलचस्पी उसकी बेहतर बनाने के लिए, उसका मुशाहिदा बेहतर करने के लिए हम लोग रोल प्ले करा सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा मेथड है कोऑपरेटिव लर्निंग का, जहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग में कोऑपरेट किए गए, यानी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बच्चे जो हैं वो मिलकर काम करते हैं, ग्रुप वर्क जो है वो किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो इजिली जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड मेथड क्या है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंक्वायर किया जाता है, सवालात जवाबात होते हैं, वो मेथड जो है बेहतर मेथड होता है बच्चों को समझाने के लिए। लेसन प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये जो एक तरीकाकार है कि उस्ताद जाके बच्चों से कहता है कि टेक्स्ट बुक दें और उसके बाद वो उनको पढ़ाना शुरू करता है, इज नॉट अ परफेक्ट मेथड। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप लोग एक जैसे डायरी है या लेसन प्लान को बनाएं, उसके बाद आपने SLO यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, या आपके जो अचीवमेंट, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके एम्स हैं, आपके समझाने के बाद क्या आपका बच्चा वो समझ रहा है, ये चीजें जो है आपने देखनी है। सिर्फ आप बुक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप जो है
एक्टिविटीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्टिविटीज एक ऐसा तरीकाकार है जहां बच्चे खुद, एक तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, हमारे एम्स पूरे होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं, उसके अलावा आप बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ा, जो टॉपिक आप बताना चाह रहे हैं उससे पहले वो कितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, आप वो उनसे पूछ लें, ठीक है, यानी उन्हें जज कर लें कि जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं क्या बच्चे उससे रिलेटेड कुछ जानते हैं, या कुछ उन्हें जानने की जरूरत है, या कुछ आप जो है उनसे जज कर लें, ताकि अंदाजा हो जाए कि कौन से पॉइंट पे जो है अभी और भी जरूरत है कि वो जो है इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लेसन प्लानिंग की, यानी कि एक लेसन प्लानिंग में क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं उस कंपोनेंट्स को टीचर गाइड से या स्टूडेंट से, कि हम लोग उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अचीव कर रहे हैं या नहीं, यानी कि आप लेसन पढ़ाते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि आप एक एसएलओ जो है वो लेकर चलें, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो आप एडिशन में जस्ट वन डिजिट एडिशन जो है वो समझाएं, टू डिजिट थ्री डिजिट तक ना जाएं, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन आप ले रहे हैं तो उसमें भी सेम एज इट इज टू डिजिट थ्री डिजिट, बिकॉज मुश्किल है, आप एक एसएलओ को लेकर चलें, ताकि आपकी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग है, यानी कि लेसन प्लानिंग है, वो कंप्लीट हो जाए। लेसन प्लानिंग में हमारे पास जो टेक्स्ट बुक दी जाती है उसका सहारा लेने की लेने से बेहतर है कि आप जो है उसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो है लेसन जो है वो किस तरह से बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आपने एक ऐसा बताना है, एक ऐसा अहम हिस्सा है ये हमारे लेसन प्लान का, जहाँ पे आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटीज यानी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज भी इसको कह सकते हैं, या उनकी जो स्किल्स हैं उस पर काम हो सकता है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर काम हो सकता है, और जो आप लोग पास्ट उनकी लर्निंग है, पहला जो उनका सबका सबक है उस पर एक नजर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना डाटा आप उनसे गैदर कर चुके हैं, किस एक्टिविटी को आप दोबारा करवाने की जरूरत है, कौन सा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज करने के बाद एक्टिविटीज पे परफॉर्म किया जा सकता है और अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है वो लिया जा सकता है। उसमें क्रिएटिव स्किल्स भी है आपके पास, एक्सप्रेशनल एक्टिविटीज भी है। सम अप है एसएलओस का कि हम लोग जो है लास्ट में उनको कोई टास्क देना है, उसको बच्चा जो है सब आपके सबक बताने के बाद उसका मरकजी ख्याल बयान करने के काबिल हो जाए, और उसका खुलासा जो है वो कम से कम 4 से 6 लाइनों में बताने के काबिल हो जाए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या है, सबसे लास्ट पे आप उसको असेस कर लेते हैं, आपके साथ साथ बच्चों की भी बच्चों के साथ साथ आपकी भी असेसमेंट जो है उसमें हो जाती है कि आपका बच्चा जो है वो आपको किस हद तक समझ गया, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको दोबारा से इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेरे पास अभी 4 से 5 मिनट है, मेरे पास MCQs हैं एजुकेशन के इंपॉर्टेंट, इस पे देख लेते हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने इसको देखना है, आपका टेस्ट जो है वो इन्हीं MCQs में से होगा, तो ये MCQs जो हैं आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, ये कुछ MCQs जो हैं, मैंने इनको यहाँ पे फाइल बना दी, आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी, ये एजुकेशन के MCQs हैं जिसमें जो है आप लोगों ने इसको देख लेना है। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एज अपॉर्चुनिटी टू डैश टू डेमोंस्ट्रेटिव लाइफ ऑफ स्कूल, यानी कि उसके एक्सपीरियंस से जितना ज्यादा बच्चे का एक्सपीरियंस होगा, देखें बच्चे की फिजिकल पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा जरूरी होती है, बच्चे का यानी कि वो देखता है, फिर वो पार्टिसिपेट करता है, फिर वो सुनता है, तब जाके वो सीखता है, ठीक है, तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि बच्चा अगर कुछ पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो आपने उसे मोटिवेट करना है, बजाय इसके कि आप उसको डांट कर उसका जो वो जो टैलेंट है या वो बोलने का जो हौसला है उसको खत्म कर दें, एक्सपीरियंस से यानी कि वो ज्यादा सीखता है। इन चाइल्डहुड विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द इंप्रूविंग स्किल्स एंड नॉलेज, यानी कि वो घर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप बच्चों के पास होता है जहाँ पे वो बचपन में बहुत कुछ सीखते हैं, स्पेशली अपनी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज बाद लोग होता है, आपके पास बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी आपकी उनकी मदर लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो ट्यूशन वाला ही एक टर्म है, ये वहाँ पे बच्चे जो है उर्दू को अच्छे से सीख जाते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है जिसकी वजह से ये MCQs हैं, इसको आप टेस्ट आपका इसमें से है, इंपॉर्टेंट MCQs एजुकेशन के हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, अगर आप लेसन में से कुछ पूछना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। और आपसे मैंने एक सवाल किया था, जी मिस साइमा अलमास आपका माइक मैम अलाउ कर दें इनका माइक, ताकि ये कुछ कहना अगर चाह रही हैं तो कह सकें। मैम नगीना मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज साइमा, आई एम अटेंडिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। जी जी मोस्ट वेलकम। एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर सम ऑफ द नोट्स व्हिच यू हैव बीन टीचिंग सिंस आई थिंक 10th ऑफ सितंबर। सो
because it's my first class and I couldn't get what are the things have been happening in this session, like division of lectures, classes, all that. Thank you. Sorry, Miss Emma, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है क्या? जी मिस तगीना, आप कुछ कह रही थी? मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मुझे आइडिया नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना वो पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप हमारी आई थिंक इस्लामियात मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने क्लास की आई थिंक हाफ एन आवर के बाद ज्वाइन किया है, और इस्लामियात की क्लास हो रही थी, और अभी आई थिंक पैरागॉजी के पोर्शन में से आप पढ़ा रहे हैं। उससे पहले कंप्यूटर का लेसन था जो आई थिंक आपका मिस हो गया, और अगर आपकी आज पहली क्लास है तो आपके जो पहले वाले लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आपका कल इसी ये जो तीन सब्जेक्ट्स मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं डिलीवर किए हैं समझाए हैं इसमें से आपका टेस्ट होगा। तो और मैंने क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के लिए अप्लाई किया था, तो यानी मुझे ये सारी क्लासेस अटेंड करना होगी वीक में, और हमारी इंग्लिश की कितनी क्लासेस होती हैं पर वीक? मैम नकीना, कल भी आपकी? जी जी बिल्कुल, हफ्ते में दो क्लासेस हैं। जी मैम मैं सुन रही हूँ, मिस देखें, ठीक है, 50% जो है आपका बेसिक सब्जेक्ट आएगा और 50% आपकी मार्क्स डिवीजन जो है वो हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, बल्कि पहले भी की है, तो 50% आपका दूसरा होगा, यानी आपके 8 नंबर की इंग्लिश आएगी, 8 नंबर की उर्दू आएगी, इसी तरह बाकी अभी पॉलिसी शो होगी आपको बाकी सब्जेक्ट करने होंगे साथ, तो कम अज कम 50 हम रख के उसके हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। दो दिन आपकी इंग्लिश की क्लास होगी जिसमें आपका एमए लेवल और सेकेंडरी लेवल दोनों को लिया जाएगा, सिलेबस आपका है एफए तक, यानी आपने 6 क्लास से लेके एफए तक मुकम्मल सिलेबस जो है इंग्लिश का वो तैयार करना है। अगर आपने लेना होगी तो हम उसमें एमए को भी टच कर रहे हैं, बाकी आपका जो बाकी 50% मार्क्स हैं वो आपको मिलने हैं इन टेक्स्ट बुक लेना होगी, और आपको जो अहम पार्ट है वो आपको करवा दिए जाएंगे। आप ऐसा करना व्हाट्सएप में रابطہ कर लेना, मैं आपको पूरा मुकम्मल गाइड कर दूंगी ऐसे में, ठीक है, ताकि अब अगला सेशन जो है स्टार्ट हो सके। मिस बुशरा कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी मैम मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैम वालेकुम सलाम मोस्ट वेलकम। हाँ मैम जवेरिया क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आवाज क्लियर है क्या? मैं स्टार्ट कर दूँ क्या लेक्चर? बिल्कुल जी जी मैम बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग जो है अपना बाकायदा स्टार्ट करने लगे हैं अपना पीएसटी का लेक्चर, तो अभी थोड़ी देर पहले ही लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आप तमाम न्यू पार्टिसिपेंट्स को वेलकम भी कहा, और साथ में अपने पीएसटी और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के जो है शेड्यूल को भी वो मैंने सेंड कर दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें से आप देख सकते हैं कि आपके टोटल लेक्चर्स कितने होने और कौन कौन से टॉपिक्स पे होने। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जिस वक्त चाहें आप डिस्कस कर सकते हैं। टू डेज की हमारी जो है टू डेज का सेशन होता है हमारा पीएसटी करंट अफेयर जनरल नॉलेज का, तो इन टू डेज में आप जिस वक्त दिल करे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं बाकायदा अपनी टॉपिक की तरफ। जवेरिया सर प्लीज मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी मैम बिल्कुल विजिबल है, अभी स्लाइड्स शो हो जाती हैं। एक चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।
अल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम है, रहमत करने वाला है। हम बाकायदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी इस सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले छोटी सी एक मोटिवेशनल कोटेशन जो हमारे हर जो है सेशन में होती है, तो आज एक छोटी सी कोटेशन। ख्वाब जिनके ऊँचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ख्वाबों को ऊंचा रखना चाहिए, जितने ख्वाब ऊंचे होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जो हैं इम्तिहान भी सख्त होंगे। तो ये PPSC का इम्तिहान भी हमारे लिए सख्त है, थोड़ी सी मेहनत करने से इंशाल्लाह ताला हम अपने जो है गोल्स अचीव कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कंसंट्रेट रखें अपने सब्जेक्ट्स पे, जो भी आपको डिलीवर किया जा रहा है सिर्फ वहाँ तक ना रहें बल्कि अपने सोर्सेज को यूज़ करके उससे भी ज़्यादा आप जो है इस अपने सब्जेक्ट्स में नॉलेज को जो है वो गेन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आज हमारा PST का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान मूवमेंट है। मिस नगीना ने जैसे आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे जो लेवल्स हैं, जो हमारे ग्रेड्स हैं, जो हम स्टार्ट किया हुआ है हमने सिलेबस, वो हमारा सिक्स से लेकर और 12th क्लास तक है। तो PST को भी जो है जो भी टॉपिक है उसमें सारे रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है वो 6th से लेकर और 12th तक, बल्कि कुछ टॉपिक्स तो BA लेवल तक भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं कि तहरीक पाकिस्तान है क्या। सबसे पहले तहरीक पाकिस्तान का हम थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है पाकिस्तान मूवमेंट का। तो बरसग़ीर में जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से शुरू हुई। ये अगर कॉपी पेंसिल है तो ये डेट्स जो है वो लाजमी आप लिखते जाएं। आपको पता है जो है लेक्चर के सेकंड डे यानी कल जो है आप लोगों का टेस्ट होना है, तो ये ज़्यादा MCQs में लाजमी तौर पर ये पेपर्स में भी आता है और आपको पता है टेस्ट में भी ये शामिल होते हैं। तो ये डेट्स लाजमी याद कर लिया के लिख लिया करें, नोट कर लिया करें। कासिम की फतह सिंध से शुरू हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात 1707 के बाद मुस्लिम हुकूमत में जवाल के आसार नमूदार हुए, लेकिन इसके चंद ही साल बाद हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में एक मसला और मुजदद मंजर पर आ जाने से बरसग़ीर में इस्लाम के मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुरजोर तहरीक का आगाज हुआ था। सियासी सतह पर अंग्रेजों ने तजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर रसूख खूब बढ़ाया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिश की वजह से जंगे प्लासी में शहीद हो गए। 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से जाम शहादत नोश करना पड़ा। इल्मी महाज पर शाह वलीउल्लाह के साहिबजादगान और इनकी औलाद और फिर इनके शागिर्द सरगर्म अमल रहे और इनके ज़ेर असर तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई, जिसके अमीर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी थे। 1831 में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इनके रफीक खास सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अस्करी सतह पर अहयाए इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। तरबियती मैदान में इस तरह के असरात जारी रहे और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक नुमाया हुई। फ़राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दावत तलकीन था। 1857 की जंग आज़ादी भी मुसलमानों के सियासी अहया और इस्तकलाल की एक कोशिश थी। ये तो था जी। मैम आपकी सिर्फ फ्लैग वाली स्लाइड शो हो रही है, तहरीके मैं इस तहरीके पाकिस्तान जिस पे लिखा हुआ है अब शो हो रही है। जी जी ठीक है, वो वही थी, उसका भी पस मंजर ही बता रही थी। तो अब सेकंड स्लाइड जो है अब शो हो रही होगी। वो मुझे तो वही तहरीके पाकिस्तान वाली शो हो रही है। हाँ अच्छा, फिर आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है मैम जवीर, प्लीज आप बताइएगा, आप शो हो रही है आपको मेरी?
अच्छा जी, अब उसके बाद जो है मैम आप ऐसा करें, एक दफा ऑफ करके शो कर दें ये पार्टिसिपेंट, अब हो रही है, अब हो रही है, हो रही है, 23 मार्च वाली कैरी करें आप। On 23rd March 1940, the famous resolution which came to be known as Pakistan resolution was moved and passed. The resolution was seconded by a number of prominent Muslim leaders from all over the country. मतलब 23 मार्च 1940 को मशहूर करारदाद जो है, करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हुई, और इस पे जो है इस करारदार में मुल्क भर से कई मुमताज मुस्लिम रहनुमाओं ने भी इसकी हिमायत की। तहरीक पाकिस्तान, वैसे मंजर आप पहले ही मैं बता चुकी हूँ, तहरीक पाकिस्तान इस तहरीक को कहते हैं जो बरतानवी हिंद में मुसलमानों ने एक आजाद वतन के लिए चलाई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान कायम हुआ। तहरीक पाकिस्तान से पहले बरे सगीर में मुख्तलिफ नजरियात को भी समझना जरूरी है। तहरीक पाकिस्तान असल में मुसलमानों के कौमी तशख्स और मजहबी सकाफत के तहफ्फुज़ की वो तारीखी जदोजहद थी, जिसका बुनियादी मकसद मुसलमानों के हकूक का तहफ्फुज़ और बहैसियत कौम इनकी शनाख्त, कौम की शनाख्त को मनवाना था, जिसके लिए अलहदा ममलिकत का क्याम अजहद जरूरी था। इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन नजर आ रही है, यानी कि अहमियत रेजोल्यूशन की, इस करारदाद की अहमियत। इट गेव न्यू मीनिंग एंड शेप टू मुस्लिम्स डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन, यानी कि इसने अलहदा कौम के लिए मुसलमानों को मजहब और मायने की शक्ल दी। इट गेव न्यू होप, कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्यूज्ड हिज स्पिरिट अमंग मुस्लिम्स। जी मैम, मैम जी एक दफा आप ना स्क्रीन ऑफ करके शो करें, ये पार्टिसिपेंट बार बार कह रहे हैं शो नहीं हो रही, एक दफा स्क्रीन ऑफ करके शो करें, सिग्नल जो है ना मेरे स्ट्रॉन्ग है वैसे यहाँ पर। मैम की स्क्रीन है, मुझे तो हो रही है, नहीं विजिबल है। जी जी मैम, मुझे भी हो रही है, मुझे तो शो हो रही है लेकिन ये पता नहीं। चले मैं ऑफ करके, चले फिर एक दफा ऑफ करके ऑन कर दें, फिर इनकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। चलें जी, ओके, ऑफ हो गई। जी मैम, आप दोबारा से आप शेयर कर, जी जी बस शेयर हो रही है। चलो हाँ जी, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द रेजोल्यूशन, यानी कि मैम हो रही है। जी जी, अहमियत जो है करारदाद की, हम इस पर बात कर रहे थे। The resolution showed a unity among Muslims. इस करारदाद में जो है मुसलमानों का इत्तेहाद जो है शो होता है। अब है जी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन के हवाले से जो है मैं डिस्कस करती हूँ, पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन के जो है खास खास पॉइंट्स, फिर उसको मैं डिटेल में भी सारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिप्स अराइव्ड इन दिल्ली ऑन मार्च 22, 1942 एंड हैड सीरीज ऑफ मीटिंग विद द लीडिंग इंडियन पॉलिटिशियंस। प्रपोजल्स ड्यूरिंग द वॉर, द ब्रिटिश वुड रिटेन देयर होल्ड ऑन इंडिया। At the end of the war, a constituent assembly would be set up with the power to frame the further constitutions of India. The province not agreeing to the new constitutions would have the right to keep themselves out of the proposed union. यानी 1947, 22 मार्च 1947 को जो है दिल्ली में ये क्रिप्स जो है वो हिंदुस्तानी सियासतदानों की मुलाकातों से शुरू कर देगी। इनकी तजावीज जो थी वो जंग के दौरान इंडिया बरतानवी हुकूमत होगी। दूसरा जो पॉइंट था उनका था कि जंग के बाद एक असेंबली मुनक्कद की जाएगी जो कि इंडिया के
आने वाले दिनों के लिए आयन साइजी करेगी। जो सुबह आयन पर रजामंद ना होंगे इन्हें ये हक हासिल होगा कि वो खुद को यूनियन से बाहर कर दें। अब जरा मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो बता देती हूँ। डिटेल में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी, चाहे तो आप लोग खास खास पॉइंट्स जो हैं इसके लिख सकते हैं। तजवीज के लिए दूसरी जंग अजीम जो है जब हुई 1939 से 1945 के दौरान, तो 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफोर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नुकात पर मुत्तफिक करने की कोशिशें की मगर नाकाम रहा। ये कोशिशें क्रिप्स मिशन वाली नाकाम हो गई थी। क्रिप्स मिशन की तजावीज क्या थी, इसमें कुछ यहाँ दी हुई है, इसको मैं और फोर पॉइंट्स को दोबारा डिटेल में जरा बता देती हूँ कि जंग के बाद बरेसगीर जो है, बरेसगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करेगी। नंबर दो था दफा अमूर खारजा मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। नंबर थ्री पॉइंट जो था वो था आयन साजी के लिए एक मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव का अख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। आयन मुकम्मल हो गया तो इससे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आयन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे कि मरकज से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। नंबर चार जो अहम पॉइंट के अकलियतों के हकूक के तहफ़ के लिए मुनासिब इकदाम उठाए जाएंगे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स की ये तजावीज़ जो हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी। मुसलमानों का ये मुतालबा सिर्फ अलहदा ममलिकत का हसूल रहा, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार न थे, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जदोजहद तेज़ करनी पड़ी। 1945 में देवल प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायदे आजम चट्टान बन गए। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने मनने से इनकार कर दिया। यह था क्रिप्स मिशन जो कि नाकाम हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी के हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज हुआ। द कायद क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंडिंग इंडियन ट्रॉप्स टू फाइट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड डिमांडिंग द इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज जो है वो महात्मा गांधी ने 1942 में दूसरे जंग अजीम में लड़ने के लिए भारतीय फौज भेजने और अंग्रेजों से हिंदुस्तान की फौरी आजादी के खिलाफ किया था। गांधी जिन्ना टॉक्स 1944, ये जो मुजाकरात हुए गांधी जी के 1944 में हुए थे। गांधी जिन्ना टॉक्स सितंबर 1944, गांधी जिन्ना टॉक्स आफ्टर रियलाइजिंग फ्रॉम जेल, गांधी रोट अ लेटर टू कायदे आजम ऑन 17th जुलाई 1944 एंड आस्क्ड हिम फॉर मीटिंग। गांधी ने जो है वो कायदे आजम को तकरीबन 21 खतूत लिखे और वो एज अ फिलोसोफर लिखे थे, और उसमें वो चाहता था कि वो कायदे आजम के साथ जो है वो मुजाकरात करें, मीटिंग करें, और ये हुआ था 17 जुलाई 1944। और उसमें जो मुजाकरात के जो खास अहम पॉइंट यही था कि गांधी चाहता था कि कायदे आजम यानी तमाम मुसलमान और हिंदू मिलकर एक हो जाएं और अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से क्विट कर दिया जाए, भगा दिया जाए। लेकिन कायदे आजम ने उनकी ये बात बिल्कुल नहीं मानी और कहा कि हम जो है बिल्कुल आपकी ये बात नहीं मान सकते। उन्होंने बड़ा कन्विंस किया, लेकिन कायदे आजम ने कहा
कि हम मुसलमान कौम है और आप एक हिंदू कौम है, हम दोनों के जो है सकाफत और हमारा मजहब जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन गांधी ने बहुत ज्यादा कायल करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि मुसलमान जो है मुसलमान होने से पहले हिंदू ही थे, तो ये तो बाद में मुसलमान हुए, तो क्यों ना मिलकर जो है हम इस मुहिम का, इस तहरीक का आगाज करें और अंग्रेजों को जो है हिंदुस्तान से भगा दें। लेकिन कायदे आजम ने ये बात नहीं मानी और गांधी से कहा कि पहले हिंदुस्तान जो है तकसीम करें ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके बाद जो है अंग्रेज जो हिंदुस्तान छोड़ेंगे। खैर ये मुजाकरात भी इनके फेल हो गए। अब बहुत अहम कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है इसके बारे में जरा हम इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर देती हूँ। मैम नगीना प्लीज जरा मुझे बताइएगा मेरी आवाज आ रही है या कोई प्रॉब्लम है? जी मैम आ रही है, क्लियर है आपकी आवाज और विजिबल भी है ना, तो यहाँ पर हम लोग हैं। हाँ जी, हमने शिमला कॉन्फ्रेंस को थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत कर देती हूँ, इसको भी चाहें तो आप नोट कर लें, ये आगे स्लाइड नहीं जाएगी, ये यहीं रुकी रहेगी, इसको मैं आपको ऑरली बता देती हूँ। शिमला कॉन्फ्रेंस इंतखाबात 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फतह हासिल कर लेगा, तो वायसराय लॉर्ड डेवल ने ऐलान किया कि वायसराय के इंतजामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे। इसमें तमाम तर सियासी जमातों को आबादी के तनासब से नुमाइंदगी मिलेगी, यानी मुसलमानों और हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। 1945 में इन तजावीज पर गौर करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस के मकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनकार हुआ। कौंसल में 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजवीज थी, जबकि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदा नामजद करेगी। कायदे आजम ने कहा कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी, क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है। इस नुक्ते पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला 1945-46 के इंतखाबात में हुआ। मुस्लिम लीग ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों के लिए मखसूस नशस्तों पर मुकम्मल कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। इसमें एक काबीना मिशन प्लान भी था जो 1946 में हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान। 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत आई। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। इस मिशन के 2 बुनियादी मकासद थे, एक हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाजे कर दी जाए, और दूसरी थी कि मुसलमान और हिंदुओं में नफरतों की खलीज कम करके हिंदुस्तान को मुतहद रखने की कोशिश की जाए। लेकिन इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, मगर किसी नतीजे पर पहुंच ना सके। 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मंसूबे का ऐलान किया जिसके नुमाया पहलू मंदरजा ज़ेल हैं। मैं बता देती हूँ आपको, ये स्लाइड में मौजूद नहीं है, मेरे पास अलग से है। बरसग़ीर में यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर खारजा, दिफा और मवासलात की जिम्मेदारी होगी। दूसरा था मरकजी अमूर के अलावा बाकी तमाम अख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे। थर्ड नंबर पे था कि सूबों को अख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना दस्तूर मुरतब करें। हर 10 साल के बाद सूबों को अख्तियार होगा कि वो कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा करें। ये थी हमारे इस शिमला कॉन्फ्रेंस के कुछ खास खास पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 शिमला वफ़्त के पसे मंजर में 2 फिल-फोर मुहरकत कार फरमा नजर आते हैं, तकसीम बंगाल पर हिंदुओं का रवैया और अंग्रेज सरकार की जानिब से मिंटो मार्ली असलाहत मुतारिफ कराने का अंदलिया।
अब थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं शिमला एग्रीमेंट 1972। मैम ये विजिबल है, प्लीज जरा मुझे बार बार बताते जाइएगा, ऐसा ना हो कि मेरी स्लाइड शो ना हो रही हो। मैम बिल्कुल विजिबल है जी। अब हम ये जैसे कि आपको एक इमेज नजर आ रहा है, इसमें बहुत ही मशहूर हस्तियां, एक तरफ जो है इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ आपको जुल्फकार अली भुट्टो साहब नजर आ रहे हैं। तो इसके हवाले से शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ, इसको भी आपको नोट करना होगा। अच्छा जी, ये मुहिदा जो है शिमला एग्रीमेंट या शिमला रिकॉर्ड भी कहलाता है, इसके दस्तावेजात पर दस्तखतों के तारीख 2 जुलाई 1972 दर्ज है, जबकि हकीकत में इस दस्तावेज पर दस्तखत 3 जुलाई की अयुल सुबह हुए थे। मुज़ाकरात जो बज़ाहिर नाकाम हो गए थे, इन पर आखिरी वक्त तक रद्दो बदल होता रहा और इस तरह अगला दिन शुरू हो गया। इसलिए शिमला मुहादे पर इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी सदर जुल्फकार अली भुट्टो ने दस्तखत 3 जुलाई की सुबह किए थे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की अफवाज मशरकी पाकिस्तान में इंडियन अफवाज के सामने हथियार डाल चुकी थी। पाकिस्तान के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 73,000 जंगी कैदी इंडियन की हिरासत में थे, जिनमें 45,000 फौजी या नीम फौजी थे और मगरबी पाकिस्तान का तकरीबन 5,000 मुरबा मील रकबा इंडिया के कब्जे में था। इंडिया और पाकिस्तान ने सन 1971 की जंग के बाद, जिसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क यानी बांग्लादेश की सूरत में वजूद में आया था। दोनों ममालिक पुर अमन ज़राए से अपने इख्तलाफात को बाहिमी बातचीत के जरिए या किसी पुर अमन ज़राए से बाहिमी इतफाक़ के राय से हल करने के अज़्म पर मुतफिक हुए थे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था। 1970 के आम इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाली कौमी असम्बली के मुस्तकबिल के बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती थी। अच्छा जी, इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली जमातें इन इंतखाबात को कालअदम करार देने का मुतालबा कर रही थी। इधर इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी एक फातेह मुल्क की लीडर के तौर पर अपनी अवाम में ज्यादा मकबूल लीडर बन चुकी थी। इस वक्त के हज़्ब मुखालिफ एक रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को हिंदू देवी यानी दुर्गा का खिताब दिया और इंडियन अखबारात में इन्हें हिंदुस्तान की महारानी लिखा जा रहा था। ऐसे में इंडिया के सामने पाकिस्तान को मजीद सबक सिखाने के मंसूबे की बात की जा रही थी और कई अखबारात में कहा जा रहा था कि एक शिकस्त खुर्दा पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो कश्मीर समेत बाकी तनाजात को इंडिया के शराइत के मुताबिक मुस्तकिल बुनियादों पर तय करे। मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के बाद पाकिस्तान की फौज में बेचैनी बढ़ चुकी थी और कैद फौजियों की रिहाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई आइन नहीं था। लिहाजा मार्शल लॉ रेगुलेशंस जारी करके इक्तदार की सिविलियन को मुंतकिल किया गया। इस तरह एक सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का तकरर हुआ। इंदिरा गांधी फतह के नशे में चूर पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान के सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर जुल्फकार अली भुट्टो ने रूस का दौरा किया और कहा गया कि पाकिस्तान अपने देरीना दोस्त रूस के जरिए इंडिया पर मुज़ाकरात का आगाज के लिए दबाव डलवाना चाहता था। काफ़ी सिफारती कोशिशों के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान के मुज़ाकरात के लिए राजी हुई थी। मुज़ाकरात का आगाज़ हम अपनी फतह पर माजरत ख्वाह नज़र आ रहे थे, ये आगाज़ हुआ जब मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने ये अल्फाज कहे, हम अपनी फतह पर माजरत ख्वाह नज़र आ रहे हैं। रबतों का सिलसिला बहाल हुआ और वफूद का तबादला हुआ। पाकिस्तान के सदर के इंडिया जाकर मुज़ाकरात करने का फैसला हुआ ताकि जो भी इब्तदाई सतह पर तय पा रहा था उससे एक बाकायदा मुहिदे की शक्ल दी जा सके। मुज़ाकरात के आगाज़ में इंडिया वाज़ह तौर पर एक फातेह मुल्क था, लेकिन इन्हें मुज़ाकरात के दौरान वो मोड़ भी आया जब बकौल एक इंडियन सिफारतकार के फातेह मुल्क माजरत ख्वाह नज़र आ रहा है।
इंडियन मुज़ाकराती टीम के एक एहलकार की एन बख्शी 2007 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बावजूद इसके के पाकिस्तानी फौज हथियार डाल चुकी थी, दुनिया की राय आमा इंडिया के साथ थी, तब भी हम ज्यादा हासिल नहीं कर सके, हम अपनी फतह पर माजरत ख्वाह नजर आ रहे थे, हम मुहैदा करने की ख्वाहिश में पाकिस्तान के सामने झुके जा रहे थे। इंडिया से ताल्लुक रखने वाली पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ओधे बाला कृष्णन 20 नवंबर 2019 के दिन इंदिरा गांधी की सालगिरह के मौके पर रोजनामा हिंदू में शाया होने वाले अपने एक आर्टिकल में इंदिरा गांधी की तारीफों के बाद 1972 के शिमला मुहादे को इनके सियासी गलती करार देते हैं। हमें कभी भी ये मालूम नहीं हो सका कि ये शिमला मुहैदा था क्या, वो क्या हालात थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से एक नुकसानदा मुहैदा करने पर मजबूर कर दिया गया। शिमला मुहैदा, इसके बाद होने वाले मुहैदा दिल्ली ने वो सब कुछ दे दिया जो पाकिस्तान चाहता था, यानी पाकिस्तान के जो भी मफादात थे वो उसने इंदिरा गांधी से इस मुहैदे के बाद हासिल कर लिए। वो तमाम पाकिस्तानी इलाका जिस पर इंडियन फौज ने कब्जा कर लिया था, वो पाकिस्तानी अफवाज में से किसी भी अफसर पर मौजूदा बांग्लादेश में नस्ल कशी के जुर्म में मुकदमा चलाए बगैर इन सब की बाहिफाजत पाकिस्तान वापसी, ये मुजाकरात थे जो कि कंप्लीट हुए शिमला कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर बाला कृष्णन लिखते हैं कि अगर कभी भी इंडिया के पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई बढ़तरी और इसके मौसर होने का नुक्ता नजर आया तो वो लम्हा था जब इंडिया ने अपनी ताकत के बलबूते पर पाकिस्तान के 5000 मुरब्बा मील के इलाके पर कब्जा किया हुआ था और इसकी फौज का तकरीबन एक चौथाई हिस्सा जंगी कैदी बना लिया गया था। 2007 में एन बख्शी अपने एक इंटरव्यू में इस मुहादे के बारे में आखिरी मनार की कहानी बयान की जो ये जाहिर करती है कि इंडिया के फौजी कामयाबी के बाद शिमला मुहादे में सिफारती सतह पर इसकी शिकस्त की वजह से वास्ते सिंड्रोम के साथ साथ पाकिस्तानी सदर जुल्फकार अली भुट्टो के मुजफरात की आला हिकमत अमली भी थी। नेक्स्ट चलते हैं जी, इस शिमला कॉन्फ्रेंस 1972 बहुत डिटेल में है, बाकी जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये कम्प्लीटली जो है यूँ समझ लें आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, ये पीएसटी के पेपर्स में यानी जनरल नॉलेज के पेपर्स में आ सकते हैं। अब जो है इलेक्शंस की बारी आई 1945 से 1946 तक, जब स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम लीग इन प्रोफेशनल असेंबलीज इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1946, यानी कि जो मुस्लिम लीग प्रोफेशनल सूबाई इलेक्शन जो वो हेल्ड हुए 1946 में, उसमें जो टोटल सीट्स थी वो NWFP की थी टोटल 50 यानी कि सूबाई, और मुस्लिम सीट उसमें थी 36, जबकि मुस्लिम लीग की जो है वो 17 थी। इसमें से भी MCQs बन के आ सकते हैं। सिंध की जो थी सिंध प्रोविंस की जो थी वो 60 टोटल सीट्स थी, उसमें मुस्लिम सीट्स 34 थी और मुस्लिम लीग की जो सीट्स थी वो 28 थी। पंजाब की जो थी वो 175 टोटल सीट्स थी और मुस्लिम सीट्स थी 86, जबकि मुस्लिम लीग की सीट्स थी 79। यूपी की सीट जो थी वो थी 228 टोटल और उसमें से 65 सीट्स थी मुस्लिम सीट्स मुसलमानों के लिए और मुस्लिम लीग की जो थी वो 54 थी। बिहार और ओडिशा उसकी जो सीट्स थी वो 175 थी और मुस्लिम सीट्स उसमें से 40 थी, जबकि मुस्लिम लीग की जो सीट्स थी वो 34 थी। बंगाल की सीट्स जो थी वो 60 टोटल थी, उसमें से 4 सीट्स सिर्फ जो थी वो मुस्लिम की थी और बाकी जो थी 4 वो मुस्लिम लीग की थी। उसके बाद जी सीपी की जो थी तो 250 टोटल सीट्स थी, 119 सीट्स थी जो वो थी मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग की थी 113। बॉम्बे की 112 टोटल सीट्स थी और 14 सीट्स थी मुस्लिम और 13 थी जो वो मुस्लिम लीग की थी। मद्रास की 125 सीट्स टोटल थी, 30 इसमें से मुस्लिम्स की थी और बाकी जो 30 थी वो मुस्लिम लीग की थी। असम की जो है 2015 सीट्स थी और 49 मुस्लिम सीट्स थी और 49 ही मुस्लिम लीग की सीट्स थी।
इंडियन एक्ट ऑफ 1947 टुडे हिस्ट्री ऑफ 1 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट, इसके तहत जो है हम लोग ये कुछ डेट्स हैं कि कौन कौन सी खास डेट्स हैं जिसमें क्या क्या हुआ उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इसको हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले पहले आपको ये इमेज जो नज़र आ रहा है वो 1849 का, मिस निगिना ये मेरा इमेज क्लियर नज़र आ रहा है ना, इसको मैं जरा जूम कर रही हूँ। बिल्कुल क्लियर है, जबरदस्त। हाँ जी, 1849 ये जो है 1849 में एनेक्शंस ऑफ पंजाब यानी पंजाब का इलाहाबाद, जी ठीक, ओके शुक्रिया मैम। और 1850 में उर्दू बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज इन वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंसेस एक्सक्लूडिंग सिंध, सिंध को छोड़कर पाकिस्तान के सूबे में उर्दू सरकारी जबान बन गई। उर्दू को पर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया, अहमियत दी गई इसको, और ये 1850 में हुआ। तो इस इन डेट्स को आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद करना है, ये लाजमी एमसीक्यूज जो है इसमें से लाजमी बनकर आ। तो उर्दू पर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया, 1850 का ये इरा है, इसको रिवाइज करना है, आपने याद करना है। 1857 में जो हुआ था वो हुआ था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जंग आजादी का आगाज हुआ। 1885 फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तश्कील हुई। 1901 में पार्टीशन ऑफ पंजाब, 1901 में जो है पंजाब को जो है पार्टीशन किए गए, उसके हिस्से किए गए, तकसीम किया गया। 1905 में जो है बंगाल की तकसीम हुई। 1906 में फाउंडिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बुनियाद रखी गई। 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, 1909 में मिंटो मॉर्ले इस्लाहात हुई। 1911 में एनवायरमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1911 में बंगाल की तकसीम का खात्मा हुआ। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन जो यानी कि पहले जंग अजीम हुई जो 1914 से लेकर 1918 तक यानी कि 4 साल तक रही, ये 1914 से स्टार्ट हुई थी और 1918 तक जो है ये पहली जंग अजीम रही। 1916 में जो है लखनऊ मुहायदा हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग कत्लेआम जो है यानी के उसकी जो है रिफॉर्म्स हुई, तहरीके खिलाफत जो है वो भी चलाई गई, 1919 में ये हुआ। 1922 में जो है हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड्स यानी 1922 से लेकर 1919 तक हिंदू मुस्लिम फसाद जो रहे वो जो रहे 1922 से स्टार्ट हुआ और 1929 तक, जैसे कि इस इमेज में भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये फसाद रहे 1922 से 1929 तक हिंदू और मुसलमानों के। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1929 में 14 पॉइंट्स ऑफ जिना ये जो है सामने आए 1929 में। 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट अलामा इकबाल एड्रेस ये हुआ यानी साइमन कमीशन रिपोर्ट अलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद जो पिछली दफा लास्ट हमारे सेशंस में भी बार बार बता चुकी हूँ खुतबा इलाहाबाद के हवाले से, तो ये 1930 में हुआ। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो बहुत ज़्यादा पता भी होगी, बार बार इसको भी रिवाइज किया गया है, कॉन्फ्रेंस हुई है 1930 और 32 के दरमियान। 1932 में कम्युनल अवार्ड बनाया दिया गया, फिरका वराना अवार्ड,
उसके बाद जी 1933 में पाकिस्तान डिक्लेरेशन नाउ और नेवर पंपलेट, ये भी लास्ट सेशन में आप लोग ने रीड आउट भी किया होगा, मैंने बताया भी था कि 1933 में जो है पंपलेट शाया किया गया जिसमें डिक्लेरेशन हुआ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, एक पंपलेट बनाया गया 4 पेजेस पर मुश्तमिल, जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली मुसलमानों को इस तहरीक के लिए। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंडिया एक्ट 1935 यानी हुकूमत इंडिया का एक्ट जो वो बना वो 1935 में बना। इलेक्शन कांग्रेस रूल इन 7/11 प्रोविंसेस एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट इन बंगाल एंड पंजाब, यानी इंतखाबात हुकूमत कांग्रेस और बंगाल पंजाब में कांग्रेस के मुखालिफ हुकूमतें, ये दौर भी 1937 का था। 1947 में दूसरी जंग अजीम हुई जो 1947 से लेकर 1945 तक रही। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी करारदाद मंजूर हुई। 1942 में अभी हमने क्रिप्स मिशन पढ़ा, उस जो है वो पेश किया गया। 1944 में गांधी जीना टॉक हुई जो मैंने अभी थोड़ा सा डिटेल भी बताई थी वो 1944 में हुई। में इलेक्शन टोटल सीट्स जो थी INS की 923 थी और IML की जो थी वो 425 थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस टीम। और उसके बाद 1947 में रेड क्लिफ लाइन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान की तख्लीक का जो है वो आगाज हो गया 1947 में। इसके बाद जो है हमारा ये सेशन इख्तिताम पजीर हुआ, इसके कुछ MCQs हैं इससे रिलेट, वैसे तो काफ़ी सारे MCQs इससे बन सकते हैं, ट्राई कीजिएगा आप खुद भी बनाएं, उसी में से आप लोगों का टेस्ट भी होना है। और ये सारा मटेरियल जो है 9th से लेकर 12th क्लास की बुक से था, कुछ जो है BA की बुक से यानी नेट से भी डाउनलोड किया गया है, तो आप चाहें तो लिंक इसमें मौजूद हैं उससे आप मज़ीद इसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है वो है राइट हैंड मैन ऑफ कायद-ए-आज़म के जो राइट हैंड थे वो कौन थे, तो इसका ऑप्शन बी है लियाकत अली खान। इन विच ईयर पाकिस्तान बिकम अ रिपब्लिक, तो ये इसका आंसर है जी 1956। मुस्लिम लीग हेडक्वार्टर वाज इन, वो जी इसका आंसर दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, कराची, बल्कि इसका आंसर जो है वो है लखनऊ, मुस्लिम लीग हेडक्वार्टर जो था वो लखनऊ था। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फाउंडेड इन, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है वो हुई 1944, 1947, 1946 या 1933 में, तो इसका आंसर है 1933 में। ये सोर्सेस हैं, आप इसको जो है जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस सोर्स तक की ले जाएगी जहां से ये मटेरियल इकट्ठा किया गया, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको PDF जो है ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और इससे आप मजीद तैयारी कर सकते हैं। बिलीविंग इन योर सेल्फ इन द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, खुद पर यकीन रखना यही कामयाबी की जो है सीक्रेट है। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होता है हमारा वो होता है क्वेश्चन आंसर का, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर तैयार की है, उसको जरा देख लेते हैं। मैम नगीना नजर आ रही है दूसरी स्लाइड्स मेरी? मैम जवेरिया प्लीज मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, थोड़ी सी इसको ना करें, नहीं आ रही है, ज़ूम करें थोड़ा सा मैम साइदा। चलें जी मैं कर देती हूं, अब सही है? चलें अगर किसी को नहीं नजर आ रही सही तरीके से तो अपना खुद ज़ूम कर ले, सही नजर आ रही है वैसे।
हाँ जी चलिए जी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है। आज मैंने ट्राई किया कि इसको थोड़ा सा उर्दू में डिफाइन कर दें तो इंग्लिश में, और बार बार ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके बन के आएंगे वो इंग्लिश मीडियम ही होंगे, मीडियम आपका इंग्लिश ही होगा। इसको डिफाइन करने के लिए उर्दू में कहना पड़ता है, इसलिए मैंने आज इसको ज़रा उर्दू में कर दिया। तो क्वेश्चन जो है हमारा पहला वो है, बिन इंटेलिजेंस एजेंसी है कौन से मुल्क की, इराक की, इंडोनेशिया की, अफगानिस्तान की या बांग्लादेश की? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो इंडोनेशिया है। दूसरा क्वेश्चन है जी, इंसानी नस्लों की साइंस कहलाती है, इंसानी नस्लों की साइंस क्या कहलाती है? नंबर एक आबादियात, कोरियोग्राफी, बशरियात या फिर बांग्लादेश? सही जवाब इसका बशरियात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है, मशरिक के वुस्ता के लिए अमरीकी सदर की खसूसी एलची कौन है? शेराड कॉपर कोल्स, रिचर्ड हालब्रोक, जॉर्ज मिचेल या रॉबर्ट गेट्स? तो इसका दुरुस्त आंसर जो है वो है रिचर्ड हालब्रोक। आर्मको तेल कंपनी है तेल की, ये कहाँ वाके है? अमेरिका में है, रूस में है, सऊदी अरब में या ईरान में है? तो इसका सही ऑप्शन है कि आर्मको तेल की कंपनी सऊदी अरब में है। टंगे जो है वो करेंसी है किसकी, कीनिया की, कर्गिस्तान की, क्यूबा की, कजाकिस्तान की? तो सही जवाब है इसका कजाकिस्तान। चेन्नई हिंदुस्तानी शहर का नया नाम है, मद्रास का, पटना का, आगरा का या लखनऊ का? तो चेन्नई हिंदुस्तानी शहर का नाम जो है वो मद्रास का है न्यू नाम। आलमी बैंक के सदर है जिम योंगकम, रॉबर्ट जोल, स्ट्रॉन कहन या इनमें से कोई नहीं? तो दुरुस्त जवाब इसका है जिम योंगकम। एशियाना एयरलाइन है जापान की, जुनूबी कोरिया की, थाईलैंड की या मलेशिया की? तो इसका भी दुरुस्त जवाब जो है वो है जुनूबी कोरिया। नंबर 10 है, कैलिफोर्निया को सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, साइंस ब्यूटी एंड रोबोट्स में या मादनी वसाइल में? तो दुरुस्त जवाब है इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मंदरजा जेल में से कौन सा मुल्क 2009 में कम्युनिस्ट इनकलाब के 50 साल मना रहा है? चीन मना रहा है, क्यूबा, शुमाली कोरिया या वियतनाम? दुरुस्त जवाब है जी क्यूबा। मंदरजा जेल वस्ती एशियाई रियासतों में से किसने हाल ही में मॉन्स में अमेरिका एयरबेस को बंद किया था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कर्गिस्तान? तो दुरुस्त जवाब है कर्गिस्तान। सेटल की बंदरगाह है जर्मनी, कनाडा, चीन या अमेरिका? तो इसका भी सही आंसर अमेरिका है। नंबर 14 पे है जी, अमेरिका कांग्रेस में कैरी लॉगल बिल अगर मंजूर हो गया तो पाकिस्तान को सालाना इकतसादी अमदाद फरहाम की जाएगी या करेगा, वो कितना होगा? वो 1.5 बिलियन डॉलर होगा, 2 अरब डॉलर होगा, 2.5 बिलियन डॉलर होगा, 3 डॉलर होगा? तो दुरुस्त जवाब है 1.5 बिलियन डॉलर। अच्छा ये मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज कर देती हूँ, जो क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ या दिखाती हूँ, कुछ तो इन्फोज होते हैं आपको बताती हूँ, और ये पास्ट पेपर्स में से जो है मैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों को ये डिफाइन कर रही होती हूँ, ये पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन। क्लॉस स्क्वब के बानी कौन है? रेड क्रॉस है, स्काउट मूवमेंट है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या केबल न्यूज नेटवर्क है? तो इसका सही ऑप्शन है जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नंबर 16 पे है, नोबल अमन इनाम 2008 मार्टी एहतसारी को मुख्तलिफ बरेआज़मों में तनाजात के हल में इनकी कोशिशों के लिए दिया गया है, वो साबिक सदर कौन है? चलिए नेदरलैंड, फनलैंड या अजनाइन? तो दुरुस्त जवाब है फनलैंड, फनलैंड। क्रोनोमीटर पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये
किस कौन सी पैमाइश होती है इसमें, रफ्तार नापी जाती है, दबाव या वक्त, या इनमें से कोई नहीं? तो क्रोनोमीटर जो है वो वक्त के नापने का आला है, जिसे क्रोनोमीटर कहते हैं। मेंडानाओ जजीरे के मुसलमान अपने सियासी हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेंडानाओ जजीरा कहाँ है? जापान का है, जनूबी अफ्रीका का है, फिलिपाइन का है, या म्यांमार का है? तो दुरुस्त जवाब है ये फिलिपाइन का है। लेकोर और कादिमो अहम सियासी पार्टियां हैं, किसकी? ईरान की, लबनान की, या शाम के, या इनमें से कोई नहीं? तो ये इनमें से कोई नहीं है, चारों ही रॉन्ग है। थ्री गॉर्जेस डैम प्रोजेक्ट जिसमें वाक़ है अमेरिका, रूस या चीन? तो सही जवाब है, या कनाडा, तो सही जवाब इसका चीन है। ब्लू हाउस सरकारी रहायशगाह है जनूबी कोरिया के सदर की, जर्मन चांसलर की, फ्रांस के सदर की, या पोप ऑफ वेटिकन की? तो दुरुस्त जवाब है जनूबी कोरिया के सदर की। नंबर 22 पे है जी, तजवीज़ करदा कानून पाकिस्तान के साथ शराकत दारी में इजाफे के तहत अमेरिका करेगा। पाकिस्तान को F-16 तैयारों का ताज़ा तरीन विजन फराहम करेगा, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तामीर नौ के मौके मौका जून कायम करें, या पाक फौज को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का सामान फराहम करें, या अमेरिका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान तलबा को स्कॉलरशिप की पेशकश करेंगे? तो इसका सही जवाब है कि ये पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तामीरी नौ के मौके जोन करेंगे। तीसरा सवाल है जी, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हेपेटाइटिस वायरस से ज्यादा नुकसान का शिकार होता है? गुर्दे ज्यादा होते हैं, फेफड़े ज्यादा होते हैं, तिल्ली या जिगर? तो इसका सही ऑप्शन है जिगर। ब्रेन ड्रेन की इस्तेलाह से आप क्या समझते हैं? पागल शख्स, हुनरमंद मजदूरों के दूसरे ममालिक में मुंतकली, दानिश्वरों की हिजरत, या नाख्वानदगी और जहालत? तो दुरुस्त जवाब है हुनरमंद मजदूरों की दूसरे ममालिक में मुंतकली। ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया 1994 में मिस्टर गोह चौक टोंग ने शुरू किया था। तो ये जो है ये एशिया यूरोप मीटिंग थी, ये कहाँ हुई? जनूबी कोरिया में, शुमाली कोरिया में, जापान में, या सिंगापुर में? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। नंबर 26 पे है, मंदरजा जेल में से कौन से बैन अवी तंजीम पहले कायम की गई थी? ECO, SARC, OIC, या? तो इसका सही ऑप्शन जो है, या D8, सही ऑप्शन है इसका OIC। IAEA का मेंबर बोर्ड जो है मंदरजा जेल जनूबी एशिया ममालिक में से कौन सा हाल ही में बैनुल अक्वामी एटमी तवानाई एजेंसी मुंतखब हुआ? तो नेपाल हुआ, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान? तो दुरुस्त जवाब है श्रीलंका। नेपोन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है टोक्यो की, लंदन की, न्यूयॉर्क की, या इनमें से कोई नहीं? तो दुरुस्त जवाब है टोक्यो। खार का मरकजी कस्बा है बंजौर एजेंसी, खैबर एजेंसी, करम एजेंसी, शुमारी वजीरिस्तान? तो इसका दुरुस्त जवाब है बंजौर एजेंसी। खार का मरकजी कस्बा है बंजौर एजेंसी, खैबर एजेंसी, करम एजेंसी, या शुमारी वजीरिस्तान? तो इसका भी सही दुरुस्त जवाब बंजौर एजेंसी। दुनिया का सबसे कदीम कौमी तराना है डेनमार्क, थाईलैंड, नॉर्वे, जापान? तो इसका सही ऑप्शन जापान। हमास की बुनियाद 1987 में बजरिया यासिर अरफात, इस्माइल हानिया, शेख अहमद यासीन, या खालिद मशल से हुई? तो इसका हमास की बुनियाद जो है 1987 में शेख अहमद यासीन से हुई थी। इसका सही आंसर जो है वो शेख अहमद यासीन है। नंबर 33 पे है, AU का सरबराह मुंतखब हुआ, वो मंदरजा जेल में से कौन सा लीडर हाल ही में 53 मेंबर अफ्रीकी यूनियन का सरबराह मुंतखब हुआ था? वो था मिस्र के हसनी मुबारक, लीबिया के मुअम्मर कजाफी, जनूबी अफ्रीका के थाबो एम्बेकी, उमर अल बशीर सूडान? तो इसका सही जवाब जो है वो लीबिया के मुअम्मर कजाफी है।
कंप्यूटर का बाप किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का बाप कौन है? चार्ल्स बैबेज, थॉमस क्रटन, कॉनर एडजोस या बिल गेट्स? तो इसका दुरुस्त जवाब है चार्ल्स बैबेज। ममालिक में से किसने अब तक ज्यादा से ज्यादा मरतबा वीडियो पावर इस्तेमाल किया? अक्वामी मुतहदा की सलामती कौंसिल है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, बरतानिया? तो ये है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा ज़र मुबादला जखीरा तकरीबन 22 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका है, जापान है, जर्मनी, चीन? तो इसका सही जवाब है चीन। ये जो जनरल नॉलेज है ये भी इसी में आ जाता है, इसमें कंप्यूटर जो है वो जनरल नॉलेज में आ जाता है, तो इसमें इंक्लूडेड है क्वेश्चन। वैसे ये कंप्यूटर में मैम जवीरी आप लोगों को करवा रही है साथ साथ। सीपीयू को पता है सबको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे चलते हैं जी। 3 मई हर साल बैनुल अक्वामी सतह पर मनाया जाता है, माहौलियाती दिन, योम आबादी, आज़ादी सहाफत का दिन या खुराक का दिन? तो इसका सही जवाब है योम आज़ादी यानी सहाफत। नंबर 40 पे है, इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच पर मबनी है, जेनीवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस? तो ये है जी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अक्वामे मुत्तहदा की मंदरजा झील एजेंसियों में से किसको नोबेल अमन इनाम मिला है? यूनिसेफ को, आईएलओ को, अक्वामे मुत्तहदा के हाई कमीशन ब्राय महाजरीन या ये सब? तो दुरुस्त जवाब है इन सबको जो है वो अक्वामे मुत्तहदा का नोबेल अमन इनाम मिला है। नेक्स्ट है जी, दुनिया ऑयल जो है दुनिया के तकरीबन 50% जो है वो सप्लाई करती है किसको? हर्म्स को, मलाका को, बास्फोरस को या जिब्राल्टर को? तो दुरुस्त जवाब है हर्म्स को। मशहूर शहर वाटरलॉ इसमें है फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या बेल्जियम? तो दुरुस्त जवाब है बेल्जियम। मंदरजा ज़ैल खलीजी रियासतों में से किसने हाल ही में पाकिस्तान को 320 मेगावाट गैस से चलने वाली बिजली घर का अतिया दिया है? चलिए जी, ये भी हमें अतिया मिल चुका है, तो देख लेते हैं हमें कौन से मुल्क ने दिया है। सऊदी अरब ने, कतर ने, मुत्तहदा अरब इमारात या बहरीन? तो दुरुस्त जवाब है मुत्तहदा अरब इमारात, ये करंट अफेयर का है सवाल। एक शख्स जो है 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बम धमाके में मुलविस था, भारतीय इंसदादी दहशतगर्दी दस्ते का सरबराह 2008 में मुंबई हमले के दौरान मारा गया, भारतीय खुफिया एजेंसी रा के सरबराह पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन? तो सही जवाब है 2008 में मुंबई हमले के दौरान भारतीय इंसदादी दहशतगर्दी में स्क्वाड का सरबराह मारा गया था। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम आ जाते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा तजारती शराकत दार ये है कौन सा यानी मुल्क है? चीन है, जापान है, सऊदी अरब है, अमेरिका है? तो दुरुस्त जवाब है चीन। खमीर रोज क्या है? कंबोडिया में एक कम्युनिस्ट तहरीक, श्रीलंका में तामुल ग्रुप, आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी है या सिंगापुर की एक बंदरगाह है? तो ये जो खमीर रोज है ये कंबोडिया में एक कम्युनिस्ट तहरीक है। नंबर 50 जो क्वेश्चन है कि वो अक्वामे मुत्तहदा में सबसे बड़ी रकम खर्च करता है, तकरीबन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट $8 बिलियन सालाना, वो किस पे खर्च करता है? सेहत की देखभाल पे खर्च करता है, गुरबत के खात्मे पे खर्च करता है, अमन मिशन में करता है, या ख्वानदगी और तालीम में करता है, या फिर इसका दुरुस्त जवाब है जी अमन मिशन में जो है वो अक्वामे मुत्तहदा अपना ऑलमोस्ट $8 बिलियन सालाना खर्च करता है अमन मिशन में। तो ये जो है हमारा टॉपिक क्वेश्चन आंसर का वो क्लोज हो चुका है। मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ करती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं जी। मिस रेगिना, मेरी स्लाइड्स ऑफ हो गई है ना जी? जी मैम, जवेरिया मिस,
जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन, बाकी जो आपकी जो भी हमारे यहाँ पर न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए दोबारा से मैं ये कह दूँ कि साहब का जितनी भी स्लाइड्स हैं, जो कुछ हमने पढ़ाए, जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उसकी स्लाइड्स जो है वो पोस्ट कर दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। और टाइम ओवर हो गया है जी। मिस साइमा, आप कुछ पूछना चाहें, आपका हैंड रेज है तो प्लीज पूछ सकती है साइमा अलमास साहबा। आई थिंक इनका हैंड रेज ही रह गया। जी टाइम खत्म हो गया, किसी ने कुछ भी पूछना है तो मैम कुछ नहीं पूछना। थैंक यू। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया। इसका कल इंशाल्लाह ताला हमारा 5 बजे जो है वो टेस्ट होगा। टेस्टों के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं, काइंडली पिछले जितने भी आप लोगों को मटेरियल सेंड किया गया था उसको रिव्यू लाजमी किया करें। जैसे भी जगीना ने ग्रैंड टेस्ट लिया है इस वीक, नहीं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह टेस्ट डिस्कशन में लाजमी इंक्लूड करूंगी, तो अच्छा, इसको आप लाजमी तौर पर रिव्यू किया करें, रिव्यू किया करें, और कल इंशाल्लाह 5 बजे जो है। सॉरी मुझे उर्दू वालों ने, एक दो लोगों ने मैसेज किया है कि जो एमए वाले हैं कि अभी हमारा टेस्ट जो है उसका रिजल्ट ना दें, तो मैं कल रिजल्ट दे दूंगी, आप अपना अटेम्प्ट कर लें। जो एमए वालों का टेस्ट अलहदा से मैंने लिया है, आपके लिए आज रात का टाइम है, आप अटेम्प्ट कर लें, कल मैं उसका रिजल्ट दे दूंगी। जी, आज ग्रैंड टेस्ट था जी मैम साहिदा।